मगर इसमें बाधा पड़ती है, भक्ति में बाधा पड़ती है तुलसी। ये तो पूरा संसार जानते हैं किस्सा तुलसी का। तो हम कुर्सी में बैठ जाते हैं तो बाकी लोग तो प्रणाम कर पाते हैं, हम प्रणाम भी नहीं कर पाते। तो हमारे मन का बल, इंद्रियों का बल, शरीर का बल अगर कुर्सी नष्ट करे तो उस कुर्सी को क्या करें, अगर दोस्त नष्ट करे तो दोस्त को क्या करें। अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जन। भगवान की कृपा प्राप्त करने का सबसे सिंपल फॉर्मूला है कि जो वस्तु भगवान के निकट लेके जाए भगवान की सेवा में हमें सहयोग दे उसको स्वीकार कर लीजिए, और जो वस्तु हमें भगवान की सेवा से दूर करे उसका परित्याग कर दीजिए। तो गजेंद्र जो थे उनका मन का बल खत्म, इंद्रियों का बल खत्म, शरीर का बल खत्म, तो माया से कैसे युक्त करेंगे, बहुत मुश्किल हो गया। जब सब कुछ खत्म हो गया तो मन में संकल्प किए एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहिति, अपनी बुद्धि को व्यवसित किए समाधाय मनोहिति, अपनी बुद्धि के द्वारा अपने हृदय को कुछ कनेक्ट किए, हृदय को जोड़े, क्योंकि भक्ति का हृदय का मैटर है। कहने का मतलब है कि स्थिर कृत्य, अपने मन को स्थिर किए, अपनी बुद्धि के द्वारा अपने मन को स्थिर किए, जो विषयांतरेभ्य, जो अनेक विषयों में फंसी हुई बुद्धि थी उसको खींच के भगवान के चरणों में ले लिया। बाकी सब जगह से मन को हटा के बुद्धि के द्वारा उसको हृदय में किए, हृदय एक किए उसके साथ, यानी कि अपनी चेतना से जुड़े। और जदा परम जाते हो प्राग जन्म शिष्य, उसके बाद पूर्व जन्म में जिसका बहुत अभ्यास किए थे, बहुत प्रैक्टिस किए थे, तो जदा परम जाते हो प्राग जन्म शिष्य, पूर्व जन्म में जो शिक्षा प्राप्त किए थे यानी जिसका बहुत अभ्यास किए थे, बहुत प्रैक्टिस किए थे, वही स्रोत गजेंद्र को याद आ गया। तो आप समझ सकते हो कि शरीर में इतनी क्षमता नहीं है कि ठीक से बोल सके, तो जाप कर रहे थे तो बड़ी पीड़ा के साथ मुख से आवाज तो ठीक से निकल नहीं रही थी। तो ओम नमो जिस किसी तरीके से बस बोल रहे थे, और ऊंची भाषा बोलने की क्षमता नहीं थी, मगर लिखा गया स्पष्ट रूप से कि जजा परम जाप्य, कुछ आवाज निकाल रहे थे, इतना भी नहीं है ना। कभी कुछ लोगों को बोलिए कि आप मंत्र का जप कीजिए तो थोड़ा सा मुंह से उच्चारण कीजिए, बोलते नहीं हम मन में जपेंगे। मन में भगवान भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या चक्कर है ना, मन में इतनी चीजें चलती हैं, संसार की इतनी चीजें मन में बसी पड़ी हैं, हम में से कोई भी व्यक्ति यदि 5 मिनट अपने मन को छोड़िए खुद तो करना बड़ा मुश्किल है। आप सोचिए अगर हमारे मन में CCTV कैमरा लगा दिया जाए तो उसकी फुटेज हम ही देखना नहीं चाहेंगे, ऐसा मन है हम लोगों का, मन में क्या जप करेंगे। तो जप का नियम होता है कि जब को उच्चारण पूर्वक करना चाहिए, कितना उच्चारण करना चाहिए इस सवाल उठते हैं, तो इतना बोले कि कम से कम खुद को पता चले कि क्या कर रहे हैं, खुद को भी ना पता चले कि क्या कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं। तो इतना उच्चारण करना चाहिए कि सुनाई पड़े अपने आप को, सबको सुनाई दे जरूरी नहीं है, मगर खुद को जरूर सुनाई देना चाहिए। तो देखिए ये फायदा होता है अभ्यास करने का। यदि इस जन्म में हम सिद्धि नहीं भी प्राप्त कर पाए, अपनी भक्ति को पूरा नहीं भी कर पाए, तो अगला शरीर चाहे पशु का क्यों ना हो हम अपनी भक्ति को भूलेंगे नहीं। मगर जिसने इस जन्म में अभ्यास ही नहीं किया
उसका क्या होगा? एक बार की बात है कि प्रभुपाद जी विदेश में जब प्रचार कर रहे थे तो एक पत्रकार प्रभुपाद जी के पीछे पड़ गया। अगर आपको पता चला, अगर कभी आपको पता चला कि ये कृष्ण नाम का कोई व्यक्ति है ही नहीं, तो आप लोग क्या करेंगे? प्रभुपाद जी बोले कि क्या परेशानी है, हम लोग अभी भी क्या करते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं, नाचते हैं और सुंदर प्रसाद पाते हैं, आनंद से जी रहे हैं। अगर कल वो पता भी चला कि भगवान है ही नहीं, तो भी ये जीवन तो पूरा आनंद से बिताया। मगर यदि तुमको कल पता चला कि कृष्ण है, तो तुम्हारा क्या होगा? नहीं है तब भी कोई संकट नहीं है हमको, क्योंकि हम तो जीवन आनंद से बिता रहे हैं। खाना है भगवान का प्रसाद, भगवान का सुंदर कीर्तन है और नाचना है, चैटिंग डांसिंग और पीसिंग तीन काम तो कर लें, यही तो भगवान बोले बस करने के लिए, और आनंद से जीवन जी सकते हैं। तो अगर कल को एक पशु के शरीर में भी जाना पड़ा, हाथी भी बनना पड़ा यदि, तो भी हम अपनी भक्ति को भूलेंगे नहीं यदि इस जन्म में उसका अभ्यास किए, कुछ प्रैक्टिस किए। तो गजेंद्र बहुत सुंदर इस स्तुति को बोले, भगवान की कृपा से जो उनको स्रोत याद आ गया उसको बोलने लगे। श्री गजेंद्र उवाच, ओम नमो भगवते तस्मै यदेतदचिदात्मकम् पुरुषायादि बीजाय परेशाय विधीमहि। तो श्री गजेंद्र वाचा, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि श्री गजेंद्र बोले। श्री क्यों लगाया जाता है? श्री लगाया जाता है कि गजेंद्र इस समय बहुत सुंदर दिखाई पड़ रहे थे, उनकी बड़ी शोभा थी। कैसी शोभा थी? अरे इतने महान संकट में कितना आंसू बहाया होगा, कैसा उसका चेहरा दिखना चाहिए। मगर क्योंकि भगवान का चिंतन कर रहे, भगवान का स्मरण कर रहे हैं, उससे गजेंद्र की भी शोभा हो गई। श्री गजेंद्र वाच, गजेंद्र बोले। तो क्या बोले? पहला श्लोक है, ओम नमो भगवते तस्मै यद एतद चिदात्मकम्। मैं से बोला था कि प्रोजेक्टर का स्क्रीन में आपको श्लोक दिखाएंगे, कल से दिखाएंगे आप लोगों को, श्लोक भी सामने दिखाया जाएगा, ये जानेंगे कि आखिर वास्तव में गजेंद्र क्या बोले थे। ऐसे तो हम लोग कई बार टीवी पे देखे होंगे, तो पता नहीं टीवी पर गजेंद्र क्या बोले। टीवी पर तो गजेंद्र वही बोलेंगे जिससे कि टीआरपी बढ़ेगा, टीवी वालों को तो माल कमाने से, उनको तो पैसा कमाना है, तो जो बोलने से जो दिखाने से ज्यादा धन मिलेगा वो ज्यादा टीआरपी बढ़ेगा, टीवी वाले तो वही दिखाते हैं। मगर जरूरी नहीं है कि वही वास्तविक बात हो। तो भागवत में जो वर्णन है उसके अनुसार जानते हैं कि गजेंद्र क्या प्रार्थना की है। तो कह रहे हैं ओम, ओम से शुरू कर रहे हैं। ओम का अर्थ है ओंकार प्रणाम। तो ऐसे कहा जाता है कि ओंकार का उच्चारण केवल ब्राह्मण कर सकते हैं, है ना? प्रणव का उच्चारण केवल और केवल जनजात ब्राह्मण को ही कहा है। तो गजेंद्र कौन से जनजात ब्राह्मण थे? ये ब्राह्मण हाथी तो नहीं थे ना, ये ऐसे हाथी जो ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए हो, हाथी वगैरह भी हाथी का जन्म होता है, आप में से कोई बता सकते है? नहीं होता ना? तो फिर प्रणव का उच्चारण कैसे करते? क्योंकि जो प्रणव है ओंकार है, ये भगवान का नाम है, और भगवान के नाम का उच्चारण करने का सभी जीवों को एक बराबर अधिकार है। इसमें उसको किसी विशेष जाति में जन्म लेने की आवश्यकता नहीं। प्रहलाद महाराज असुर भक्तों को, असुर बच्चों को उपदेश करते हुए कह रहे हैं, नादम निजत्तम देवत्तम विषिक्तम चासुरात्मजः,
कहते भगवान की भक्ति करने के लिए ना अलम द्विजत्व में, द्विज बोलते हैं ब्राह्मण को, ज का मतलब होता है जन्म और द्वि का मतलब होता है दो, जिसका दो बार जन्म हो उसको द्विज बोला जाता है। तो ब्राह्मण का माँ की तरफ से जन्म होता है और उसके बाद जब उसका उपनयन संस्कार होता है गुरु के द्वारा तो उसको उसका दूसरा जन्म माना जाता है। तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं ना अलम द्विजत्व, अलम का अर्थ होता है कि जरूरी नहीं, जरूरी आवश्यक, अलम यानी आवश्यक। तो कह रहे हैं ना अलम द्विजत्व, द्विजत्व होना आवश्यक नहीं है, ना अलम देवत्व, देवता होना भी आवश्यक नहीं है, और ना अलम ऋषित्व, एक ऋषि बनना जटा धारण करना ये भी जरूरी नहीं है भगवान को प्राप्त करने के लिए। और कह रहे हैं ना पर्याप्त है, ना तो आवश्यक है और ना पर्याप्त है, अलम का दोनों अर्थ होता है, अलम का एक अर्थ होता है आवश्यक और एक अर्थ होता है पर्याप्त। तो ना अलम द्विजत्व यानी कि ना तो द्विजत्व ब्राह्मणत्व पर्याप्त है ना आवश्यक है। यदि केवल ब्राह्मण होने से हो जाता तो एक बार की बात है कि ब्रज में जब भगवान गोचारण कर रहे थे तो उस समय भगवान के सखाओं को भूख लगी, बहुत जोर की भूख लगी, तो भगवान कृष्ण को बोले कि कृष्ण कुछ करो इसका। तो भगवान बोले कि पास में कुछ ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं और आप लोग जानते हैं यज्ञ में कुछ महाप्रसाद होता है ना, वो यज्ञ होगा कुछ वेदिक अनुष्ठान होगा तो कुछ प्रसाद मिलेगा। तो बोले वो बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, वहां जाओ उनसे कुछ मांगो खाने के लिए जरूर मिलेगा। तो सारे जो ग्वालपाद सखा थे भगवान के उन ब्राह्मणों के पास गए और बोले कि पास में कृष्ण बलराम आए उनको भूख लगी है कुछ खाने के लिए दीजिए। तो वो ब्राह्मण लोग ना तो हाँ बोले और ना ना बोले, ना बोल देते तो पता तो चलता कि नहीं देंगे, और हाँ बोलते थोड़ा 10 मिनट रुको थोड़ा आहुति दे देते हैं उसके बाद दे देंगे तो पता चलता कि रुकना है, मगर ना हाँ बोले ना ना बोले भगवान के सखा बड़े निराश हुए। वापिस गए कृष्ण के पास, बोले अरे कैसे लोगों के पास भेज दिए हमको, वो लोग ना तो कुछ दिए ना हाँ बोले ना ना बोले, मगर कृष्ण बहुत भूख लगी है। तो भगवान बोले कि फिर से जाओ वहां पर, बोले अरे बिल्कुल नहीं जाएंगे ऐसे लोगों के पास तो हम कभी भी नहीं जाएंगे। बोले नहीं 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 वहां जाना है, उन ब्राह्मणों से कुछ मत मांगना, उनकी पत्नियों से ब्राह्मण पत्नियों से जाके मांगना। तो ब्राह्मण पत्नियों को जाके केवल सखा भगवान के इतना बताएं कि कृष्ण बलराम आए हैं, बस ये बोलने की जरूरत नहीं थी कि उनको भूख लगी है, केवल इतना बोलने से काम हो गया कि कृष्ण बलराम पास में आए हैं और जितना उनके पास बचे पदार्थ था जो यज्ञ के लिए बनाई थी सब टोकरियों में सजा सजा के भगवान के लिए ले चली भगवान को। तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि ना अनंत द्विजत्व, यदि ब्राह्मणत्व काफी होता तो ब्रज के वो ब्राह्मण कृष्ण को प्राप्त कर ले होते हैं, मगर नहीं दे पाया। जब वो ब्राह्मण पत्नियां वापिस लौटी अपने घर तो ब्राह्मण लोग तब समझे कि हमसे कितना बड़ा गलती हो गया, अरे जिन कृष्ण बलराम को जिन परम भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किए जाते हैं वो भगवान खुद हमारे यहाँ आए और हमको बोले कि कुछ खाने को दे दो, हम उनको कुछ खिलाए नहीं। तो स्वयं वो ब्राह्मण बोल रहे हैं कि धिक जन्म ऐसे जन्म पर धिक्कार है, धिक शुद्ध ऐसी पढ़ाई लिखाई पर धिक्कार है, अरे हमसे अच्छी तो हमारी पत्नियां निकली जो माँ गुरुकुल में जाके इतने श्लोक रटी, ना कुछ और तपस्या की, मगर हृदय उनका सरल है कृष्ण बलराम को समर्पण करती, इसलिए गाया है जया दे जपत्नी जया नाग कन्या गाना भक्ति दे जहारा पाइना गोविंद चरणा। उन द्विज पत्नियों की जय हो, उन नाग पत्नियों की जय हो,
जिनके अंदर और दूसरी कोई योग्यता नहीं थी, केवल भक्ति के जहर पायदा गोविंद चरण, केवल अपनी भक्ति से भगवान गोविंद के चरणों को प्राप्त कर लेंगे। तो गजेंद्र बोल रहे हैं ओम ओम प्रणव का उच्चारण कर रहे हैं, क्योंकि जीव मात्र को भगवान का नाम पुकारने का अधिकार है। चाहे कैसा व्यक्ति हो, चाहे पापी हो, पुण्यवान हो, पवित्र हो, अपवित्र हो, मनुष्य हो, पशु हो, और चाहे असुर हो, कोई भी भगवान के नाम को ले सकता है। कह रहे ओम नमो भगवते तस्मै यद एतद् चिदात्मकम्। ओम के बाद कह रहे हैं नमः, मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम कर रहे हैं गजेंद्र। भक्ति का पहला वास्तव में विचार यही है कि भगवान को प्रणाम किया जाए। यहाँ तो आजकल एक नया सिद्धांत चल रहा है कि सर पटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। अभी तक ऐसे कितने लोग हैं जो आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, और वो भी किससे आजादी, भगवान से। आप बाकी जगह सर मत झुकाइए, कटा लीजिए, मगर कम से कम भगवान के सामने क्या करना चाहिए, झुकाना चाहिए सर या नहीं झुकाना चाहिए? भगवान के सामने निश्चित रूप से सर झुकाना चाहिए। गजेंद्र को भगवान की कृपा इसीलिए प्राप्त हुई। बोल रहे ओम नमो भगवते तस्मै यद एतत् चिदात्मकम् पुरुषाय आदि बीजाय परेशाय आदि धीमहि। प्रत्येक श्लोक में कम से कम 4 से 5 बार गजेंद्र जो है भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। कितना प्रणाम किए हैं, गोपियां गाई हैं, देखिए। प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम्। गोपियां गा रही हैं कि प्रणाम करने मात्र से भगवान क्या करते हैं, सारे पापों को खींच लेते हैं। प्रणाम करने वाले के सारे पापों को खींच लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो संपत्ति शिव जी ने रावण को 10 सर काटने पर दी, वही संपत्ति भगवान रामचंद्र ने विभीषण को सर झुकाने पर दे दी। सर कटाना नहीं पड़ा, केवल क्या करना पड़ा, सर झुका है। सर झुका सकते हैं, कटा भी सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। अब कम से कम भगवान के आगे सर झुका के प्रणाम करना चाहिए, मस्तक पूरा जमीन पे लगा के प्रणाम करना चाहिए। वह गजेंद्र की स्थिति को चौ है। गजेंद्र कह रहे हैं कि नमः अभी धीमहि, मैं तो केवल प्रणाम का ध्यान कर सकता हूँ, क्योंकि एक ग्रहा मेरा पैर पकड़ रखा है, मैं आपको दंडवत प्रणाम नहीं कर पा रहा। करना चाहता हूँ, इच्छा है गजेंद्र के मन में कि अगर ये ग्रहा मेरा पैर छोड़ दे तो मैं भगवान को फुल दंडवत प्रणाम करूंगा, मगर ये ग्रहा पैर पकड़ा है इसलिए कह रहे हैं कि हम प्रणाम तो नहीं कर सकते मगर प्रणाम का ध्यान करते हैं। मगर भगवान इस सेवा को भी स्वीकार करते हैं। भागवत में कथा आती है कि अर्जुन को युद्ध से, महाभारत के युद्ध से पहले मोह हो गया था, मगर युधिष्ठिर महाराज को युद्ध के बाद मोह हो गया। जब युद्ध पूरा हो गया और पांडव लोग जीत गए तो युधिष्ठिर महाराज इतना मोहग्रस्त हुए कि अब बोलने लगे कि मैं राज्य स्वीकार नहीं करूंगा, ये राज्य जो है ये सज्जनों के खून से सना हुआ है, हम ये राज्य स्वीकार नहीं करेंगे, अरे मेरी वजह से कितने करोड़ों लोग मर गए, हाय हाय मैं कितना पापी हूं। तो बहुत लोग समझाए, व्यासदेव आके समझाए, स्वयं भगवान श्री कृष्ण समझाए युधिष्ठिर महाराज को कि आप तो धर्म के लिए युद्ध किए थे, तो इसमें आप क्यों शोक करते हैं कि हाय हाय मेरी वजह से समरे। और युधिष्ठिर महाराज यहाँ तक बोल रहे थे कि अरे दुर्योधन भी तो अच्छा ही था, अगर वो राजा रहता तो क्या कर पड़े, बेवजह इतनी लड़ाई हुई मुझको राजा बनाने के लिए, ऐसी गति पे मैं नहीं बैठूंगा। अब तो कैसे कैसे समझा समझा के सब हार गए। वो भगवान श्री कृष्ण जो गीता वक्ता है, जो अर्जुन के मोह को दूर किए, युधिष्ठिर के मोह को दूर नहीं कर पाए। क्यों दूर नहीं कर पाए, क्योंकि भगवान की ही इच्छा थी कि मेरे बोले ये समझे ना,
तो मुख से बोलते थे मगर हृदय में परमात्मा के रूप में रहकर एक दूसरे को समझने नहीं देते थे। फिर अंत में ऋषि महाराज को बोले, अच्छा मेरी, अरे तुम तो रहने दो, तुम बचपन में कितना झूठ बोलते थे कृष्ण हम जानते हैं, मैया मैं नहीं माखन खाए और ये और वो, तुम तो रहने दो, कुछ भी समझा दोगे मेरे को। बोले अच्छा दादाजी की बात तो मानोगे, पितामह की बात तो समझोगे? हाँ, अगर भीष्म पितामह कुछ बोल देंगे तो निश्चित समझेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण समस्त पांडवों को, युधिष्ठिर महाराज को, सबको लेके भीष्म पितामह के पास पहुंचे। और उस समय भीष्म पितामह कैसे थे, तो बाणों की शैया पर पड़े हुए थे। और जानते हैं कि उनको बहुत बाण लगे थे बाणों की शैया पर, मगर उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, अपनी इच्छा से ही वो मरते। अगर इच्छा नहीं करेंगे कि अब शरीर छोड़ना है तो शरीर नहीं छूटता होगा। तो गर्दन लटकी पड़ी थी तो अर्जुन उसको भी तकिया बना दिया था, बोला बाणों का बिस्तर तो बाणों का ही तकिया भी बना देते हैं, सुंदर तकिया भी लगा दिया। अब जब भीष्म पितामह के पास भगवान श्री कृष्ण पहुंचे तो भीष्म पितामह प्रणाम करना चाहते थे, मगर प्रणाम कैसे करें? यदि उठ के प्रणाम करते तो शरीर में इतने बाण लगे थे कि क्या आप सोच सकते हैं। अच्छा अगर सोचते कि लेटे लेटे थोड़ा सर झुका के भगवान को इशारा करूंगे मैं प्रणाम करता हूं, तो सर हिलाने की भी क्षमता नहीं थी। अच्छा अगर किसी व्यक्ति की तरह ऐसा सोचे चलो सैल्यूट मार देते हैं भगवान, तो हाथ उठाने की क्षमता नहीं थी, तो क्या भीष्म पितामह भगवान को प्रणाम नहीं किए? भगवान को प्रणाम किए, अपनी आंख बंद करके ऐसे, और मन ही मन भगवान को प्रणाम किए। भगवान ऐसे प्रणाम को भी स्वीकार करते हैं यदि शरीर में शक्ति नहीं है तो। याद रखिए भगवान को छलने का कभी कोई फायदा नहीं, शरीर में क्षमता है झुक सकते हैं फिर भी प्रणाम ना करें, हम मन में कर लिए तो भगवान भी समझ जाते हैं। भगवान एक जेन्युइन हृदय देखना चाहते हैं, सच्चा हृदय, ईमानदार हृदय। ईमानदारी की बात है कि ये शरीर में अगर झुकने की क्षमता है तो इसको झुका के प्रणाम करना चाहिए, और नहीं क्षमता है तो भगवान इतने रिजिड नहीं है कि अरे झुक के प्रणाम क्यों नहीं किया। मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत बीमार पड़ जाए और अब उसके शरीर में झुकने की क्षमता नहीं है तो मन ही मन भगवान को प्रणाम कर सकता है, ऐसे प्रणाम को भगवान स्वीकार कर लेते हैं। मगर शरीर में क्षमता है और कपट करेंगे भगवान के साथ तो भगवान समझ जाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं अरे भाव ग्राही जनार्दन, भगवान तो भाव देखते हैं, तो आपके इस भाव को देख लेते हैं कि कितना आलस भरा पड़ा है इसके शरीर में, है ना? भाव ग्राही जनार्दन, वो तो हमारे भाव को देखेंगे, तो ये इस भाव को क्या छोड़ देंगे कि ये आलस की वजह से प्रणाम नहीं कर रहा। या कुछ लोग इसलिए प्रणाम नहीं करते कि उनके अंदर बहुत अहम का भाव होता है, हम कैसे छुपे किसी के आगे। एक हमारे भारत के प्रधानमंत्री हुए, नाम नहीं लेंगे, तो वो हमारे जुहू मंदिर में राधाराज बिहारी में दर्शन करने के लिए आए, तो दर्शन करने के लिए आए तो जूता पहन के ही गेट के अंदर घुसना चाहते थे। तुम्हारे भक्त लोग उनको बोले कि आपको जूता तो उतारना पड़ेगा, तो इतना कहने पर तो मुड़ के वापस चला गया और जूता नहीं उठा लिया, भगवान के मंदिर में आए। उसके बाद भी इतना अहंकार कि हम नहीं झुकेंगे, तो भगवान इस भाव को पकड़ लेते हैं कि ये क्यों प्रणाम कर रहा है, क्यों प्रणाम नहीं कर रहा। तो इसलिए प्रणाम नहीं कर पा रहे गजेंद्र क्योंकि ग्रह पैर पकड़ा है, तो भगवान उस भाव को समझ जाते कि करना तो चाहते हैं मगर कर नहीं पा रहा। मगर हम नहीं करना चाहते हैं तो भगवान उस भाव को भी पकड़ लेते हैं, क्योंकि आप ही लोग कह रहे हैं भाव ग्राही जनार्दन है, भगवान तो भाव देखते हैं। तो सिर्फ भाव नहीं देखते, भगवान विधि भी देखते हैं। अजानते एक बार की बात है, सन 2008 या 10 की बात होगी, दिल्ली की बात है, हम लोग अखबार में पढ़े थे इस बात को। एक बार एक छोटी बच्ची थी 7-8 साल की, और उसको एक छोटा भाई हुआ, भाई छोटा सा था, बहुत करीब था, मतलब 1-1.5 साल का तब तक हुआ वहाँ, और था बहुत काला। तो बहन की इच्छा थी कि मेरा छोटा भाई है ये भी गोरा होता तो कितना अच्छा होता, इच्छा तो उसकी अच्छी थी बुरी थी, इच्छा अच्छी थी ना उसकी, मेरा भाई तो हुआ क्या, माता पिता दोनों वर्किंग थे,
दोनों ऑफिस चले गए और पीछे से बहन क्या की कि फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में अपने भाई को डाली, पानी चलाई और सर्फ पाउडर डाल दिए और मशीन चला डाली। अगले दिन न्यूज़पेपर में आया कि वो बच्चा मर गया वॉशिंग मशीन। तो क्या बहन अपने भाई को मारना चाहती थी? उसकी इंटेंशन सही थी, उसकी इच्छा सही थी कि मेरा भाई गौरव है, मगर उसका काम करने का तरीका गलत था, इसलिए भाई का हरि बोध हो गया, मर गया भाई। तो इंटेंशन होना ठीक है कि अच्छी अच्छी इच्छा होना, और साथ में कार्य करने का तरीका भी ठीक होना चाहिए, दोनों चीज देखी जाती है। उसकी इच्छा भाव तो बहुत अच्छा था, भाई गौरव है, मगर काम क्या थी? उठा के उसको वॉशिंग मशीन में डाल दिया है, हरि बोध। तो गजेंद्र प्रणाम कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं नमस्कार अभी धीमे ही केवल प्रणाम का ध्यान कर सकता हूँ, क्योंकि एक ग्रह मेरे पैर को पकड़ रखा है। जब भगवान वामन देव बलि महाराज की सभा में गए थे तो उस समय बलि महाराज वामन देव को प्रणाम नहीं कर पाए। उनके मन में चाहत थी कि मैं इनको प्रणाम करूं, क्योंकि वामन देव के शरीर से इतना तेज निकल रहा कि बलि की बड़ी प्रीति हो रही थी वामन देव। और जब भगवान वामन देव बलि महाराज से मांगे तो बोले कि मेरे को बस 3 पग भूमि चाहिए, ज्यादा नहीं, संतोषी ब्राह्मण हूँ, ज्यादा नहीं चाहिए। तो बलि महाराज बड़ी हंसी किए, बोले अच्छा तू बड़ी बातें करता है मगर मांगने पे आया तो 3 पग भूमि मांगता है। बोले इतना कम से कम मांगने की कभी दूसरे के आगे भीख ना मांगनी पड़े। तो भगवान बोले अरे नहीं नहीं नहीं, हम संतोषी ब्राह्मण हैं, ज्यादा नहीं चाहते, बस अपने छोटे छोटे पैर दिखा के बोले इन्हीं पैरों से 3 पग भूमि मांगा, ज्यादा नहीं। तो बलि महाराज फिर बोले कि देख मेरे पास ऐसे ऐसे असुर हैं जिनके 1-1 किलोमीटर लंबे पैर हैं, उनसे नपवा दूं तो कम से कम 5-7 किलोमीटर जमीन होने की कुछ काम चल जाएगा तेरा। तो नहीं 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 नहीं, अब तो बिल्कुल उंगली करके अपने छोटे छोटे पैर इन्हीं पैरों से नापूंगा, बस इतना दे दो। तो बलि महाराज जैसे ही संकल्प किए वामन देव को देने के लिए तो उनके गुरु शुक्राचार्य बोले अरे बलि क्या कर रहे हो, जानते हो ये कौन है? ये मायावी विष्णु है, छोटा सा ब्राह्मण ब्रह्मचारी का रूप धारण करके आया है, तुमसे 3 पग भूमि के बहाने तीनों लोक की संपत्ति छीन लेगा। तो जब बलि महाराज सुने कि ये साक्षात विष्णु है तो चाहत थी बलि महाराज को कि फिर तो निश्चित झुकके इनको प्रणाम करना चाहिए, क्यों मैं ना दे दूं इनको? अगर आज साक्षात विष्णु ही हमसे मांगने आए हैं तो बलि महाराज चाहते थे कि अपना सर्वस्व उनको दे दें, मगर भय था क्या कि शुक्राचार्य के सामने बोलूंगा तो शुक्राचार्य नाराज हो जाएगा। तो बलि महाराज ये देखे कि शुक्राचार्य के सामने यदि भगवान को प्रणाम करूंगा और असुरों के सामने भगवान को प्रणाम करूंगा तो ये लोग भगवान की निंदा, हमारी निंदा, भक्तों की निंदा करना शुरू कर देंगे, तो प्रणाम नहीं कर पाए। फिर जब भगवान बलि महाराज से सब कुछ ले लिए और उसके बाद बलि महाराज को पास में बांध लिए, अरेस्ट कर लिए, तब बलि महाराज बोलते हैं, कह रहे अहो प्रणमाय कृत समह प्रपन्न भक्ता निधु समाहित, कह रहे कि अहो कितने आश्चर्य की बात है कि प्रणाम आया, मैं प्रणाम किया नहीं आपको, मगर प्रणाम आय कृत समुद्यम, केवल उद्यम किया, मन में संकल्प किया कि यदि हमारे गुरु ये शुक्राचार्य नहीं होते और ये सब असुर नहीं होते तो पूरा लोट के दंडवत कर देता अपने चरणों में, केवल ऐसा संकल्प किया। और ऐसे संकल्प रूपी प्रणाम को आप कैसा मान लिए? कह रहे प्रपन्न भक्ता विधु समाहित, जैसे पूर्ण समाहित चित्त से आपके शरणागत ध्रुव महाराज, नारद मुनि या प्रहलाद महाराज जैसे भक्त आपको प्रणाम करते हैं तो उनके प्रणाम को आप जैसा मानते हैं वैसे वैसा ही आप इस बलि, इस असुर बलि के प्रणाम की इच्छा को मान लिए, इतना करके मान लिए जैसे कि आपका कोई शुद्ध भक्त आपको प्रणाम करता हो। भाई ऐसा तुमको क्यों महसूस होता है बलि? करे यह लोकपाल अनुग्रह हमारे, जो बड़े बड़े लोकपालों को, नेताओं को, हमारे
स्वर्ग के लोगों को, स्वर्ग में रहने वाले देवताओं को अलब्ध पूर्व प्रसाद सुरक्षितः, वो अलब्ध पूर्व जो प्रसाद जो कृपा आज तक कभी किसी देवता को कभी किसी बड़े बड़े नेता को आपने नहीं दी, वो कृपा आपने मुझको कर दी। आप अपना चरण ले सके ऊपर रख दिए। इससे पता चलता है कि मैंने प्रणाम नहीं किया आपको, केवल प्रणाम करने का उद्यम किया, संकल्प किया कि मैं आपको प्रणाम करता, इस प्रणाम को आप कितना करके मान लिए। तो भगवान की भक्ति इतनी शक्तिशाली है कि संकल्प करने से फल दे देती है। इस संसार में कभी संकल्प से आपको किसी वस्तु में फल नहीं मिलेगा। जैसे अगर कोई बच्चा संकल्प करे कल से मैं स्कूल जाऊंगा, तो क्या स्कूल वाले उसको एग्जाम में पास कर देंगे? हम मानते हैं कि तुम स्कूल आए थे, क्यों? तुम घर बैठ के सोचे थे कि मैं स्कूल जाऊंगा ना, ऐसे नहीं होने वाला। कोई सोचे कल से मैं दुकान खोलूंगा पैसा कमाऊंगा, तो केवल संकल्प करने से उसको पैसे कम की कमाई नहीं प्राप्त होगी, उसको काम करना पड़ेगा। मगर भगवान की भक्ति ऐसी है कि यदि कोई केवल संकल्प करे कि मैं भगवान को प्रणाम करूंगा, मैं भगवान के नाम का जप करूंगा, मैं भगवान की कथा सुनूंगा, तो संकल्प करने से कथा सुनने का भी फल मिल जाता है। केवल संकल्प से जैसे आप घर में बैठ के सोचे कि चलो भागवत सुनने हैं, उसी समय से आपके भागवत श्रवण का टाइम शुरू हो गया। भगवान गिनना शुरू कर दिया कि इसने कितना घंटा भागवत सुना है। क्या प्रमाण है? तो भागवत के प्रारंभ ही कहा है, धर्म प्रोचित कई तवत्र परमो निर्मा सराणाम सतां वेद्यं वास्तवमात्र वस्तु शिवदां तापात्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परे ईश्वर सद्यो हृदयवरोद्य त्यक्त्र पृथिवी श्रीमद् भागवतम कैसा है? तो धर्म प्रोचित कई तवत्र परमो अत्र, यानी श्रीमद् भागवत में जितना चीटिंग धर्म है सबको झाड़ू मार के भाग दिया, इसकी तो यहाँ चर्चा ही नहीं की। निर्मल सराणाम सतम, जो ईशा आदि रहित भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनका तो प्राण है श्रीमद् भागवतम। निर्मल सराणाम सतम वेद्यम वासम अत्र वस्तु शिवदम, और कैसा है श्रीमद् भागवतम? तो कह रहे हैं कि वेदों की जो वास्तविक वस्तु है भगवान श्री कृष्ण, उनके बारे में संपूर्ण ज्ञान श्रीमद् भागवतम कह रहा है। कह रहे हैं कि वेद्यम वासम अत्र वस्तु शिवदम तापत्र अनुमूलनम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते, ये साक्षात भगवान नारायण द्वारा कही गई श्रीमद् भागवतम है जिसको बाद में वेद व्यास ने संकलन किया। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परे, जहां श्रीमद् भागवतम है वहां अन्य किसी शास्त्र की क्या जरूरत है? किंबा परे, स्वयं वेद व्यास जी जो 17 अन्य पुराण लिखे, 4 वेद लिखे, उपनिषद लिखे, महाभारत लिखे, वो अपनी अंतिम रचना श्रीमद् भागवतम में लिखते हैं कि ये श्रीमद् भागवतम है, तो बाकी पीछे के किसी चीज की जरूरत नहीं है, कोई पुराण की जरूरत नहीं, कोई वेद की जरूरत नहीं, ये श्रीमद् भागवतम में श्रुति सारम एकम किंबा परे ईश्वरा। ये किंबा परे यानी कि जहां श्रीमद् भागवतम है अन्य अनेक ग्रंथों की कोई आवश्यकता क्या है? सत्यो हृदयत्र कृति भी सुशुषु भी सचना, कह रहे हैं कि सुशुषु भी सुनने की इच्छा करने मात्र से सत्यो, जिस समय सुनने की इच्छा किया उसी समय ईश्वर हृदय अवरुद्धते, भगवान श्री कृष्ण हृदय में आके फंस जाते हैं, अवरुद्धित हो जाते हैं, फंस जाते हैं। और आप जानते हैं कि भगवान का स्वभाव कैसे टेढ़े है, देखे ना, यहाँ भी कृष्ण टेढ़े हैं या नहीं? देखे, ये भी टेढ़े है गोविंद भाई, उधर कृष्ण है राधा कृष्ण, तो कृष्ण टेढ़े खड़े होते हैं, तीन जगह से टेढ़े हैं, तो गर्दन के लिए यहाँ से टेढ़े हैं, पैर से टेढ़े हैं, है ना।
भगवान के ऊपर सौंदर्य का इतना भार है कि बेचारे सीधे खड़े नहीं हो पाते, इतने सुंदर है श्री कृष्ण, झुक रहे हैं अपने सौंदर्य के भाव से भार से। तो आप सोचिए कि किसी चीज में अगर कोई सीधी चीज फंसाई जाए तो आराम से निकल जाएगी, मगर अगर टेढ़ी चीज फंस गई तो क्या। सत्य हृदय बलुद्यते, जो श्रीमद भागवत सुनने की इच्छा करता है उसके हृदय में भगवान श्री कृष्ण आपके बंदी बन जाते हैं, फंस जाते हैं, तब तो निकलते ही नहीं किसी भी उपाय से। अच्छा आपके करते क्या है, तो धर्म प्रोजित गई था उसके हृदय में झाड़ू पोछा मारना शुरू करता है, यार इतना गंदा रखे सो काम क्रोध मत लोभ मोह मत सरे, यहाँ मैं बैठू कहाँ पर। तो सबसे पहले भागवत सुनने की इच्छा करने वाले के हृदय में आके भगवान झाड़ू पोछा मारना चालू करते हैं, साफ सफाई करते हैं, और उसका परिणाम क्या होता है कि तापत वयोन्मूलनम, उसके जीवन के जितने कलेश होते हैं उनको भगवान जड़ से उखाड़ कर फेंक देते हैं। किसके लिए? जो भागवत सुनता है उसके लिए नहीं, जो भागवत सुनने का संकल्प करता है, सुश्रुत जो है वो जो केवल सुनने की इच्छा करने मात्र पे भगवान हृदय में आ जाते हैं। तो अगर कोई ईमानदारी से 7 दिन बैठ के भागवत सुना तो उसके साथ क्या होगा कितना कुछ भगवान उसको देंगे। तो गजेंद्र जो है प्रणाम कर रहे हैं, प्रणाम का संकल्प कर रहे हैं, प्रणाम का ध्यान कर रहे हैं, क्योंकि ग्रह उनके पैर को पकड़ रखा है इसलिए लौट के प्रणाम कर नहीं सकते हैं। कह रहे ओम नमो, नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, किसको? कह रहे भगवते, मैं भगवान को प्रणाम करता हूँ जो सर्वेश्वर पूर्ण भगवान है, ऐसे भगवान को प्रणाम करता हूँ। तस्मै यद् एतत् चिदात्मकम्, और भगवान कैसे हैं तो कह रहे हैं चिदात्मकम्। देखिए थोड़ा सा फिलोसफिकल है, सिद्धांतिक स्तुति है गजेंद्र की। आप लोग तो उतना बड़े संकट में नहीं है जितने बड़े संकट में गजेंद्र थे, और उतने बड़े संकट में पढ़ के सबको यह सब कुछ याद आने लगता है। जब मरते हैं तो याद आते हैं ना, राम नाम सत्य है तो कैसे याद नहीं आता, तब सबको याद आता है। तो उतना बड़ा संकट नहीं है, मगर वास्तव में उससे उतना ही बड़ा संकट है। हम सबको माया रूपी ग्रह एकदम पकड़ लिया है, उसमें कोई उसकी ढिलाई नहीं है, छोड़ता नहीं है। और दुख की बात सबसे बड़ी ये है कि ज्यादातर लोग उससे छूटने का प्रयास भी नहीं करते हैं, केवल इतनी योजना बनाते हैं कि कैसे ना कैसे इस संसार में अपने को रख ले, किसी तरह गाड़ी चलती रहे, जीवन की गाड़ी चलती रहे, इसी में दिन रात संघर्ष करते हैं सब लोग, निकलने का तो कोई सोचता नहीं। तो थोड़ा सा सिद्धांतिक बातें हैं श्रीमद् भागवतम में, मगर उसको समझने का प्रयास करेंगे तो गारंटी देते हैं छोटे से छोटा बच्चा भी समझ सकता है। थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा समझने का। कह रहे तस्मै यद् एतत् चिदात्मकम्, भगवान चिदात्मक है, चिदात्मक का मतलब है चिन्मय, भगवान की उपस्थिति से ही कोई वस्तु में चेतना आती है, अन्यथा कोई जड़ वस्तु अपने से कुछ भी नहीं कर सकती है। जैसे आप एक टेबल देख रहे हैं तो क्या टेबल अपने आप हिल सकती है? नहीं हिल सकती। जब तक कोई मनुष्य या कोई पशु भी, कोई भी जीव जिसके अंदर आत्मा है, और आत्मा का फ्रेंड है परमात्मा, परमात्मा आत्मा दोनों साथ में रहते हैं, तो जब शरीर में परमात्मा है तो हाथ से जोड़ लगाने पे ये टेबल के हिल सकता है। ये हाथ चल रहा है क्योंकि अंदर परमात्मा है, आपसे दिखाई पड़ रहा है क्योंकि परमात्मा है। यदि परमात्मा थोड़ा वोल्टेज कम कर देता है तो चश्मा लग जाता है, थोड़ा वोल्टेज कम ज्यादा कम कर देता है तो ज्यादा वोल्टेज कम कर देता है तो पैरालिसिस हो जाता है, लकवा मार जाता है, और ज्यादा ही कुछ वोल्टेज कम कर देता है तो राम नाम सत्य हो जाता है। तो ये संपूर्ण जगत, जड़ जगत में परमात्मा है तो ये शरीर चल रहा है, हम बोल पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, चल पा रहे हैं। और यदि परमात्मा चला जाए तो कोई जड़ वस्तु अपने से कुछ भी नहीं कर सकती है, सरल बात है। और चिदात्मकम का एक अर्थ ये भी है कि भगवान इतना चिन्मय है कि जो उनके संपर्क में आ जाता है वो उन्हीं की तरह हो जाता है। भौतिक वस्तु भगवान, आध्यात्मिक भगवान के संपर्क में आने से आध्यात्मिक हो जाती है। जब भगवान का जन्म हुआ ब्रज में
गोकुल चले गए तो छठे दिन कंस एक असुरनी को भेजा था, एक राक्षसी को भेजा जिसका नाम था पूतना। यह पूतना राक्षसी ऐसी थी कि थी तो बहुत विशाल शरीर की, मगर जब ब्रज में आना था तो बहुत सुंदर रूप बना के आई, एकदम सुंदर रूप बना के आई और सुंदर सुंदर ड्रेस पहन के आई, गोपी ड्रेस पहन के आई और देखने में इतनी सुंदरी दिखाई पड़ रही थी कि यशोदा माता, रोहिणी माता जो कोई पूतना को देखी तो ऐसा उसके मन में लगता है कि लगता है लक्ष्मी जी ही अपने पति से मिलने के लिए आई, इतनी सुंदर दिखाई पड़ रही थी पूतना। और आई तो जैसे ही नंद भवन में घुसी तो कृष्ण को देखी दूर से और ऐसी झूठी ममता दिखाने लगी भगवान के प्रति, हाय मेरा लाला, हाय मेरा लाला, आजा बेटा, जैसे पता नहीं उसको कितना कृष्ण प्रेम हो। और एक बार को यशोदा मैया भी भ्रम में पड़ गई, यशोदा मैया सोचने लगी कि इतना प्रेम तो कृष्ण से हम भी नहीं करते जितना ये करती है, कितनी ममता है इसमें, और सीधा जाके कृष्ण को गोद में उठा के ये अपने स्तनों के ऊपर हराहर विष लगा के आई थी तो भगवान को अपना स्तन बजाने लगी। और भगवान भी क्या किए कि केवल उसका दूध नहीं पिए, उसका प्राण प्राण भी चूस लिए। तो अब तो इतना उसको कष्ट हो रहा है, पीड़ा हो रही है कि छोड़ दे मुंस दे मुंस दे, अरे मिट्टी, अरे छोड़ दे, बहुत हुआ। वो भगवान को छोड़ना जानते नहीं, तब तक पकड़ के रखे जब तक पूछना हरिबोल नहीं हो गया, मर गए। अब जब मरने लगी तो अपने स्वरूप में आ गई, मरते समय तो कोई कपट चलता नहीं, मरते समय सबका कपट खत्म हो जाता है, तो मरते समय सारा कपट खत्म हो गया, एकदम अपने स्वरूप में। 18 किलोमीटर लंबा उसका शरीर था। अब भगवान जाके कंस के बगीचे में उसको लैंड किए, बोले ब्रज में कुछ तोड़ फोड़ नहीं करना है, कंस का ही मारा तोड़ फोड़ करने सब कुछ। तो वहां पर जब लैंड किए और इधर नंद महाराज आए थे मथुरा कंस के यहाँ टैक्स देने के लिए, तो अब नंद महाराज जब वापिस जा रहे थे, वो वापिस गए तब तक उनको पता चला कि गोकुल में कुछ उत्पात की है, कौन पूतना। अब वापिस जाते समय इतना बड़ा राक्षसी का शरीर देखे, नंद महाराज बड़ी चिंता में पड़े कि ये क्या है। जब गोकुल पहुंचे तो सब लोग बताए कि ऐसे ऐसे एक राक्षसी आई थी और भगवान नारायण की कृपा से आपका बेटा बच गया। वो तो ब्रजवासी मानते ही नहीं थे कि कृष्ण भगवान है, वो अपने प्रेम के कारण नहीं मानते थे, हम लोग माया के कारण नहीं मानते हैं। तो ब्रजवासी बोले कि भगवान नारायण की कृपा से किसी तरह तेरा लाला बच गया। तो नंद महाराज जो थे बड़ा उनको लगा, उसके बाद सोचे कि ये पूतना जो है इसके शरीर को जला देना चाहिए। तो सारे ब्रजवासी मिलके पूतना के शरीर के टुकड़े टुकड़े किए, सब फिंगर अलग सब छोटा छोटा टुकड़ा काटा, क्योंकि 18 किलोमीटर लंबा शरीर जलाने के लिए आप सोच सकते हैं कितनी मेहनत पड़ती है और जलता भी नहीं आराम से। अब छोटा छोटा टुकड़ा कर देंगे तो जल्दी आराम से जल जाएगा। वो आप लोग जानते हैं कि ब्रजवासी कोई नॉनवेज खाता नहीं था, नहीं तो वहाँ का कौन बड़ा झगड़ा होता कि मैं लेग खाऊंगा, मैं चेस्ट खाऊंगा, मैं फिंगर खाऊंगा, है ना। कोई ब्रजवासी इंटरेस्टेड ही नहीं था उसका मांस खाने में, क्योंकि ये तो सब असुर खाते हैं मांस मच्छी सब, वास्तव है पूरा मत मांगे अभी आप लोग खाते हैं सुबह से बुरा भी मान सकते हैं। मांस मच्छी मनुष्य का भोजन नहीं है, या तो शेर आदि का है या फिर असुरों का है। असुर होते हैं तो वो खून पीते हैं, रुद्राशन है वो उनका फेवरेट ड्रिंक होता है, आप लोग कोका कोला पीते होंगे, फेंटा मिरिंडा पीते होंगे, है ना। और असुर जो होते हैं वो खून पीते हैं, उनका फेवरेट वही है और मांस खाते हैं बहुत। तो जब पूतना के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करके उसको जलाया है तो पूतना के शरीर से अंगूर की खुशबू बड़ी दिव्य सुगंध निकली। तो परीक्षित महाराज कथा सुनते सुनते इतना शरीर में पड़ गए कि भाई ये पूतना जो है ये तो राक्षसी है, इसके जलाने पे कितनी दुर्गंध आनी चाहिए थी, मगर इसको जलाने पे दिव्य सुगंध आ रही है, इसका क्या मामला है थोड़ा समझाइए। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श इस पूतना का हो गया था, इस वजह से इसका ये भौतिक शरीर भी आध्यात्मिक हो गया था। उसका भौतिक शरीर मटेरियल बॉडी जो था वो स्पिरिचुअल हो गया भगवान के स्पर्श मात्र से। इसलिए गजेंद्र कह रहे हैं यद एतद् चिदात्मकम्, भगवान के स्पर्श से कोई भौतिक वस्तु आध्यात्मिक बन जाती है।
जो शरीर भगवान की सेवा में लग जाता है, अब वो देखने में भौतिक शरीर है मगर वो आध्यात्मिक हो जाता है। वो उदाहरण प्रभुपाद जी दिया करते थे, मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझाता हूँ। ये आप लोहे की रॉड देख रहे हैं, ये दिखाई पड़ रहा है किसी को? दिखाई पड़ रहा है? पुरुषों को नहीं दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, ऊपर उठाओ, ये लोहे की रॉड दिखाई पड़ रही है। अब हम इसको उठा सकते हैं, हाथ को उठा ही सकते हैं महाराज, ऐसे आप लोग भी ठीक है, पुरुष है मगर इतना पुरुष नहीं होना चाहिए। शाम की जय बुरा मत मानूंगा मगर कथा में थोड़ा पार्टिसिपेट करना चाहिए, है ना? ये बाकी सब विचार छोड़ के कथा में आना चाहिए। हम कौन है, क्या है, कुछ नहीं है। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, वो भगवान की साइंस को समझना है, बस इतनी सी बात है। उसमें कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। ऊंचे आसन में बैठने से हम बड़े नहीं हो गए, वो नीचे बैठने से माथे छोटी नहीं हो गई, और आप बीच के नहीं हो गए सारे पीछे बैठने से। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। भागवत सबसे बड़ा है और उसको बोलना सुनना सब बराबर है। बोलने वाले में सुनने वाले में कोई अंतर नहीं है, यही चिदात्मा का अर्थ है। एब्सोल्यूट ट्रुथ का यही मतलब है, परम सत्य का यही मतलब है। भगवान और उनसे संबंधित किसी वस्तु में कोई अंतर नहीं रहने का, यही मतलब है परम सत्य का। तो कह रहे हैं, तो मैं उदाहरण आपको दे रहा था इस रॉड का, ये लोहे की रॉड दिखाई पड़ रही है सबको। अगर यहाँ पर मैं आग लगाता हूँ और इसको गर्म करते हैं और इतनी आग लगाते हैं कि ये पूरी रॉड लाल हो जाए, उसके बाद ये मैं आपको पकड़ाऊँ, कौन कौन छुए को तैयार हो गया? सोच लीजिए, जवाब खड़ा करेंगे उसको दिया जाएगा। क्यों नहीं छुएंगे? लोहा ही तो है, लोहा है ना, है आग है। ये माता जी बोल रही है कि अब लोहा नहीं है, आपके संपर्क में रहने से ये लोहा भी आग बन गया है, इसलिए आप उसको छूना नहीं चाहिए। उसी प्रकार से जब कोई वस्तु भगवान के संपर्क में आ जाती है तो वो भी भगवान की तरह आध्यात्मिक हो जाती है। जिस शिव विग्रह में भगवान का प्राण प्रतिष्ठा होता है, तो देखने में ये मेटल का दिख सकता है, देखने में आपको स्टोन का, पत्थर का दिख सकता है, मगर काम ये भगवान की तरह करेगा। जैसे देखने में अभी भी ये लोहा है मगर काम कैसा करेगा? आग वाला। बिल्कुल उसी तरीके से हो सकता है देखने में आपकी इस चमड़े के नेत्र से देखने में आपको ये पत्थर दिखाई दे रहा हो, मेटल दिखाई दे रहा हो, मगर भगवान इसमें आ जाने से ये साक्षात भगवान हो जाता है। प्रतिमा नहीं तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, ये प्रतिमा नहीं है, केवल फोटो नहीं है भगवान की, ये स्वयं भगवान है। ये देख भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अनेकों ऐसे उदाहरण है। एक बार की बात है कि पंडरपुर की बात है, पंडरपुर में भगवान विट्ठलनाथ का मंदिर है, और भगवान विट्ठलनाथ जो है वो ऐसे कमर पे हाथ खड़ा रख के अपने भक्त इंतजार करने की पोज में खड़े हैं। और वहाँ का नियम क्या है कि वहाँ कोई भी जाके भगवान के चरणों को छू सकता है। तो सुबह सुबह वहाँ पर नाई लगती है और बहुत सारे भक्त भगवान के चरणों को छूते हैं। तो एक बार की बात है, बुढ़िया कथा में सुनी कि भगवान के चरण बड़े कोमल होते हैं, मक्खन की तरह एकदम कोमल चरण है भगवान के। तो बोली कि कल जाके देखती हूँ, हमको तो देखने में पत्थर जैसे दिखते हैं, है ना, जाके कर चेक करते हैं कि सच में मक्खन जैसे हैं या नहीं है। तो लाइन में लग गई और जैसे ही उसका नंबर आया तो इधर देखी उधर देखी, वो तो तुरंत से अपनी उंगली लेके भगवान के चरणों में चेक करना चाहती थी कि ये मक्खन जैसा कोमल है या नहीं है। और जानते हैं क्या हुआ? भगवान के चरण वहीं पर, जैसे मक्खन में आप उंगली डालते हैं तो उंगली का निशान पड़ जाता है, बिल्कुल वैसे ही भगवान के चरण वहां से दब गए। और अगर आप आज भी जाके देखेंगे, वहां दर्शन करने जाएंगे, तो विट्ठल जी के चरणों में उस बुढ़िया की उंगली के निशान है। तो आप बताइए कि ये पत्थर है या भगवान है? ये बोल भी सकते हैं, ये सुन भी सकते हैं, ये बात भी कर सकते हैं, ये चल भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, केवल आपकी भावना पे निर्भर नहीं करता। कुछ लोग कह देते हैं मानो तो माँ गंगा और ना मानो तो बहता पानी, ऐसा नहीं है। थर्ड क्लास की फिलॉसफी है,
अच्छा मैं बोलता हूँ कि मैं मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं मानता, मेरे नाम मानने से हो जाएगा बताइए? अरे मेरे जैसा एक वोट या 100 वोट मिलकर भी ना माने तब भी वो है इस समय प्रधानमंत्री नहीं है, तो मैं मानू या ना मानू उससे फर्क नहीं पड़ता, जो जो है वो रहेगा, मेरे मानने से कुछ नहीं होता। ये भगवान है, आप माने चाहे ना माने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए गली के 200 कुत्ते मिलकर मीटिंग करें, हम मनुष्यों को नहीं मानते, कोई मनुष्य नहीं है, तो उन कुत्तों की मीटिंग का क्या फायदा है? कुछ नहीं होगा। नहीं, हमने 200 कुत्तों का यूनियन बनाया, हम कल अखबार में छापेंगे कि कोई मनुष्य नहीं है। मगर आपके बोलने से क्या हो जाएगा, क्या मनुष्य नहीं रहेंगे? तो इसी तरीके से चाहे कितना बाहरी मनुष्य समाज मिलकर मीटिंग कर ले कि भगवान भगवान कुछ नहीं होता, तो क्या उनके कहने से भगवान नहीं रहता? भगवान है, और कम से कम बुढ़ापे के बाद याद आना शुरू होता है। तो भगवान कैसे है, गजेंद्र बोल रहे हैं चिदात्मकम, भगवान के स्पर्श मात्र से कोई वस्तु चिन्मय हो जाती है। जो वस्तु भगवान की सेवा में लग जाती है वो भगवान के जैसी ही हो जाती है। जैसे हम भगवान को भोग लगाते हैं जिस वस्तु का, तो जब भगवान को अर्पण करते हैं तो भगवान जब उस भोग को स्वीकार कर लेते हैं तो वो खाना नहीं रह जाता, क्या बन जाता है? वो प्रसाद बन जाता है। और प्रसाद का क्या अर्थ है? प्रसाद मतलब भगवान की कृपा। प्रसाद का मतलब है, भगवान गीता में बोले प्रसाद सर्व दुखाना हानियस्य पचायते, भगवान का प्रसाद पाने से क्या लाभ मिलता है बताइए? भगवान का प्रसाद पाने से सर्व दुखाना हानियस्य पचायते, सारे दुखों की हानि हो जाती है, कितना बड़ा दासर रहता है। तो वो जो प्रसाद है वो भगवान को अर्पण करने से, जो भोग है जो खाने की वही वस्तु भगवान को अर्पण करने से, अब वो खाना नहीं रह जाता, अब वो स्पिरिचुअल हो जाता है, भौतिक नहीं रहता। और चिदात्मक उनका एक अर्थ है कि भगवान इतना ज्ञानमय है, इतना ज्ञानमय है कि केवल भगवान के संपर्क में आने मात्र से, केवल भगवान का नाम जप करने मात्र से व्यक्ति को सारा वैदिक ज्ञान हो सकता है। एक बार की बात है, एक संत, एक बड़ा संतों का सम्मेलन लगा था, तो उसमें अखंडानंद जी को भी बुलाया गया था। तो जब उनको बोलने का मौका दिया गया तो बोला कि महाराज 2 मिनट बोलना है केवल, समय बहुत कम बचा है, 2-2 मिनट सबको बोलना है। बोले 2 मिनट में तो हमारा मंगलाचरण भी नहीं होगा, 2 मिनट में क्या बोलेंगे? तो बोले कि ठीक है, यदि 2 मिनट में ही बोलना है तो कृष्ण राधा राम और सीता इसी में भागवत इसी में गीता, यदि 2 मिनट में ही प्रवचन करना है तो बोले कि भगवान का नाम कीर्तन कर लो, सारा व्यक्ति क्या नसीब है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हम सब जानते हैं कि वाल्मीकि जी वाल्मीकि कैसे बने, भगवान राम का नाम जप करके। केवल नाम जप के प्रभाव से वाल्मीकि जी को भगवान राम के अवतार लेने से पहले राम जी कब कब क्या क्या लीला करेंगे सारी जानकारी हो गई, और रामायण में सब कुछ लिख दिया। कैसे? केवल भगवत नाम का जप करने मात्र से उनको सारा वैदिक ज्ञान हो गया। ऐसे ही एक राजा के बेटे थे ध्रुव महाराज, एक दिन की बात, अपने पिता महाराज उत्तान पाती गोद में बैठने की कोशिश कर रहे थे, मगर महाराज बिठाए नहीं। उनकी सौतेली माँ सुरुचि उनको बड़े कड़वे वचन बोली, बोली बेटा तुमको पता है कि तुम रानी के बेटे नहीं हो, तुम तो दासी के बेटे हो, मगर वास्तव में बड़ी रानी के बेटे थे ध्रुव महाराज। तो जब इस तरीके से उनकी सौतेली माँ बोली, अनेक कड़वे वचन बोली, बोली तुम राजा की गोदी में बैठेंगे लायक नहीं हो, राजा के आसन पर बैठ नहीं सकते। तो दुर्मान पूछे, माँ अगर बैठना हुआ तो कैसे बैठूंगा? तो बोली कि तुम भगवान की आराधना करो, यदि वो कृपा करेंगे तो तुम्हारा जन्म मेरे गर्भ से होगा, फिर तुम राजा की गोद में बैठ सकते हो। अच्छा, भगवान भी कृपा करेंगे तो तुम्हारे गर्भ से जन्म देंगे ना, और ठीक सीधा नहीं बैठा सकते। अच्छा, उसका आइडिया ये था कि तपस्या करने के लिए जंगल में जाएगा, मर मरा जाएगा, खत्म हो किसान।
तो ध्रुव महाराज जो थे अपनी सोटेरी माता के खड़े बच्चे उससे बड़े आहत हुए, अपनी सभी माँ अपनी असली माता सुनीति के पास गए तो सुनीति भी बड़ी अच्छी बात बोली, बोली बेटा मेरे को एक बात बताओ, यदि कोई तुमको सोने के सिक्के से मारेगा तो क्या करोगे? मान लीजिए ये सोने का सिक्का है तो मैं देख के मारूं आपको, आप लोग क्या करेंगे? वापिस नहीं करने वाले कि सोने का सिक्का है। बोले कि तुम्हारी सोतेली ना चाहे ईर्ष्या से बोली या कैसे भी बोली, बात कितनी सही बोल रही है, जाओ भगवान का भजन करो। अपने छोटे से 5 साल के बेटे को वो जंगल में भेज दी भगवान का भजन करने के लिए। पूछे माँ कहाँ मिलेंगे भगवान? बोली मैं तो यही देखूंगी सबको जंगल में मिलते हैं, चले जाए जंगल में। जब जंगल में जा रहे थे तो रास्ते में उनको मिले नारद मुनि, तो नारद मुनि भी ध्रुव महाराज को ऐसे ही छोड़ दे, उनकी परीक्षा ली है। पहले उनको प्रवचन करने लगे, बेटा वापिस घर चले जाओ, क्या ईर्ष्या द्वेष करने हैं, तुम राजा बनो, तुम्हारा भाई राजा बने, क्या फर्क पड़ता है। ध्रुव महाराज बोले सीधा सीधा कि महाराज जी प्रवचन बहुत अच्छा कर लो, मगर हमको मुगत सुना नहीं सकते, हम तो क्षत्रिय है, ओ आप इतना सुंदर ब्राह्मण जैसा ज्ञान दे रहे हैं, हमारे हृदय में टिक नहीं रहा, सारा भय रहने से है। और इस समय हम एक ही चीज चाहते हैं क्या, अभी हमको बाप का राज्य नहीं चाहिए, ना पिता का राज्य, ना पिता के पिता का राज्य, ना पिता के पिता के पिता, ब्रह्मा जी जैसा राज्य भी नहीं चाहिए। आज हमको ब्रह्मा जी से बड़ा राज्य चाहिए, और किसी छोटे मोटे आदमी से लेंगे नहीं, साक्षात भगवान से मीटिंग करके उन्हीं से लेंगे। अब या तो भगवान से मिलने का तरीका बताइए, या आप अपने रास्ते हम अपने रास्ते, हरे कृष्णा। नारद जी बड़ा खुश हुए, बोले चेला तो ऐसे ही चाहिए था, जिसका एकदम पक्का संकल्प है कि इसी जन्म में भगवान से मिलकर छोड़ूंगा। तो नारद जी ध्रुव महाराज को बड़ा सुंदर उपदेश दिए भगवान की भक्ति कैसे करनी है, बोले मधुबन चले जाओ, वृंदावन चले जाओ, वहां पर बड़ी जल्दी भगवान की प्राप्ति हो जाती है, और वहां जाके भगवान नाम का जप करना। एक मंत्र मैं तुमको दे देता हूँ जिसको बोलते हैं द्वादश अक्षर मंत्र, वो मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव महाराज नारद जी की बात मान लिए, केवल 6 महीने इस मंत्र का जप किए मधुबन में जाके, और साक्षात भगवान प्रकट हो गए। केवल 6 महीने जप किए। नारद जी से छोटी सी गलती हुई थी, क्या गलती हुई थी, वो क्षत्रिय की औलाद है, ये उसको फिर प्रणाम देगी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय है, ये तो क्षत्रिय की औलाद है ना, किसकी औलाद है? ब्रह्म महाराज महाराज उत्तान बाग के बेटे हैं, भाई इसको प्रणाम कैसे पकड़ा दिया बताइए। ये मंत्र दिए ओम नमो नारद जी शायद शास्त्र पढ़े नहीं हुए हैं, नारद जी व्यास देव के गुरु हैं, क्या नारद जी ऐसी गलती कर सकते हैं? नारद जी जानते हैं भक्ति करने का अधिकार सबको एक समान भाव से है, इसलिए गुरु महाराज को इस मंत्र को दिए। और इस मंत्र के प्रभाव से भगवान भी बेचारे क्या, मैं सोचो शायद भगवान भी शास्त्र नहीं पढ़े होंगे, इस मंत्र का जप किए 6 महीने भगवान प्रकट हो गए, शायद भगवान भी नहीं जानते होंगे कि क्या सही है क्या गलत है, हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। वेदेश सर्वे अहमेव वेद्य, जो भगवान भगवद्गीता में बोले कि वेदेश सर्वे, सारे वेद भगवान से आए हैं और स्वयं वेद ही भगवान है, भगवान से बड़ा वेद भी नहीं है, भगवान वेद की मर्यादा को रखते हैं, तो भगवो में वेद की मर्यादा रखने वाले श्री हरि क्यों ध्रुव महाराज के सामने प्रकट हो गए, क्योंकि यही सिद्धांत है। तो जब 6 महीने में भगवान प्रकट हो गए ध्रुव महाराज के सामने, उस समय ध्रुव महाराज अपने हृदय के अंदर, हृदय के भीतर भगवान के चतुर्भुज स्वरूप नारायण स्वरूप पर ध्यान कर रहे थे, दर्शन कर रहे थे, इतना सुंदर दर्शन कि ध्रुव महाराज एक पल के लिए भी आंख खोल के नहीं देखते थे, और भगवान गरुड़ पे बैठ के ध्रुव महाराज को देखने के लिए आए। अब भगवान आ गए और क्या देख रहे हैं कि भक्त देख ही नहीं रहा मेरे को, भगवान देख रहे हैं ध्रुव महाराज को मगर ध्रुव महाराज देख ही नहीं रहे भगवान की तरफ। बोले ये तो बड़ा दासी हुई मेरे साथ, मैं वैकुंठ छोड़ के आया इस भक्त से मिलने के लिए, भक्त को मेरी कोई पकड़ ही नहीं है, देख ही नहीं रहे।
तो भगवान क्या किए, ध्रुव महाराज के हृदय से उस सुंदर स्वरूप को तिरोहित किए और छटपटा के जो ध्रुव महाराज आंख खोल के देखे तो वही नारायण स्वरूप अपनी आंखों के सामने दर्शन किए। और उस समय ध्रुव महाराज जैसे ही भगवान को देखे पूरा उनके चरणों में दंडवत कर दिए, पूरा भगवान के चरणों में पड़ गए, चरणों में पड़े, प्रणाम किए, प्रणाम करके उठे और वास्तव में भगवान को देख लिए थे। सुखदेव गोस्वामी कथा करते कह रहे हैं कि अपनी आंखों से भगवान के रूप को पी रहे थे, इतना आसक्ति के साथ श्री कृष्ण को देख रहे थे, श्री विष्णु को देख रहे थे। मगर ध्रुव महाराज को नारद जी इतना तो समझाए थे कि कैसे भक्ति करना है, मगर ये नहीं बताए थे कि अगर भगवान आंखों के सामने आ जाए तो उसका करना क्या है। तो ध्रुव महाराज इतना फेर में पड़ रहे कि भाई इसका करना क्या ये तो पता नहीं, प्रणाम करने तब तो पता था, कितना भी उनको ये नहीं लगी, इतना इतना तो नारद जी अच्छी ट्रेनिंग दिए थे कि कैसे भगवान को प्रणाम करना है ये तो पूरा ध्रुव महाराज को पता था। अब उसके बाद ये इस परम पुरुष के साथ करूं क्या वो उनको कुछ नहीं पता था। तो ध्रुव महाराज कभी भगवान के पटके को चूमने लगे, कभी हाथ को ऐसे चूमने लगे, कभी छूते हैं कुछ करते हैं, मगर मन में उनकी इच्छा है कि मैं कुछ बोलूं भगवान के बारे में, कुछ भगवान का गुणगान करना चाहते थे। तो वो भगवान जो सबके हृदय में रहते हैं ध्रुव महाराज के मन की बात को जान गए कि ये कुछ बोलना चाहता है। मगर ध्रुव महाराज कभी स्कूल गए नहीं थे, कोई ट्रेनिंग लिए नहीं थे, कोई कोचिंग भी नहीं पढ़ाए गए थे, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं गए थे, छोटे से 5 साल 6 महीने के बालक थे, 5 साल की अवस्था में जंगल में गए थे और 6 महीने बीते थे भजन करते रहे। तो ध्रुव महाराज बोलना चाहते थे, भगवान इस इच्छा को समझ के अपने वेद में शंख को कृपया अबोले, संस्पर्श कृपया अबोले, अपने वेद में शंख को ध्रुव महाराज के गाल पर छुआ दिए और केवल भगवान के शंख के स्पर्श से ध्रुव महाराज को वेदों का सारा ज्ञान मिल गया। कैसे? केवल भगवान के शंख के स्पर्श माने से 12 श्लोकों में भगवान की स्तुति किए। और श्रीधर स्वामी कहते हैं कि 12 श्लोक 12 आदित्यों के समान है, जितना वैदिक ज्ञान है वेदों के हर बात के ऊपर प्रकाश डाला है मात्र 12 श्लोकों में, इतना बड़े विद्वान हुए ध्रुव महाराज केवल और केवल भगवान के शंख के स्पर्श से। वाल्मीकि जी वाल्मीकि बन गए, रामायण लिख दिया, राम की लीला होने से पहले केवल नाम जपते प्रभाव से। तो गजेंद्र कह रहे हैं कि भगवान कैसे है, चिदात्मकम भगवान, ऐसे चिदात्मक भगवान को हम प्रणाम करते हैं। ओम नमो भगवते तस्मै यद एतद् चिदात्मकम् पुरुषाय आदि बीजाय परेशाय विधिमहि। कह रहे हैं कि वो परम पुरुष है, क्योंकि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ओम का मतलब है कोई निराकार भगवान। एक नया परंपरा भी चले है, वो लोग शिव जी का गर्दन काट देते हैं, वो शिव जी ऐसे बैठ गए, शिव जी का गला काट दिया, वहां पर एक ओंकार का साइन बना देते हैं। आप सोचिए कितना बड़ा अपराध है, कोई खंडित मूर्ति की पूजा भी नहीं की जाती और साक्षात शिव जी की गर्दन काट के वहां पर उनको ये दिखाने के लिए कि शिव जी का कोई आकार नहीं है एक ओंकार का साइन बना देते हैं, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि उनका कोई आकार नहीं है। कितना सुंदर शिव जी है, क्या उनका मुख नहीं है? पार्वती माता ऐसे शिव जी के साथ शादी की थी जिनका केवल गर्दन है और उनको कुछ नहीं है, एक ओम का साइन बना गया नहीं, आंख है सुंदर बल्कि 3 नेत्र है तो सब जानते हैं, अगर मुख नहीं होता तो 3 नेत्र कैसे होते शिव जी के। तो ज्यादातर लोगों को एक धारणा होती है कि ओंकार का अर्थ है कुछ निराकार, उसका कोई आंख नहीं, उसका कोई नाक नहीं, उसका कोई कान नहीं, वो चल नहीं सकता, वो नहीं सकता, भैसा जैसे भैसा। तो गजेंद्र उसको क्लियर कर रहे हैं, ओम नमो भगवते तस्मै यद् चिदात्मकम् पुरुषायादि बीजाय। वो पुरुष है, परम पुरुष है, ऐसे पुरुषाय, ऐसे परम पुरुष को मैं प्रणाम करता हूँ जो आदि बीजाय, आदि बीज प्रदान करने वाले। भगवान भगवत गीता में कहे अहम बीज प्रदपिता, सबके पिता भगवान श्री कृष्ण हैं। कहे मैं ही प्रकृति में बीज डालता हूँ जिससे सारे जीव होते हैं। तो आदि बीजाय परेशाय विधिमहि,
और भगवान कैसे हैं तो परेशाया पर ईशाया, ईश्वर तो बहुत सारे हैं। देखिए जो भी कंट्रोल करता है उसको ईश्वर बोलते हैं, जैसे स्कूल का प्रिंसिपल भी ईश्वर है, अपने स्कूल का ईश्वर है, घर का ईश्वर, पिताजी घर के ईश्वर होते हैं, घर को कंट्रोल करते हैं, और देश का भी कोई ईश्वर है। ऐसे स्वर्ग का, तीनों लोगों का ईश्वर भी है कोई, कौन? इंद्र। और चौदह भुवन का, उस इंद्र का भी ईश्वर है कोई, कौन? ब्रह्मा जी। 33 करोड़ देवी देवताओं के ईश्वर है कौन? महावीर, कौन? महेश, शिव जी। और इन सभी ईश्वरों के परम ईश्वर परेशायः है भगवान श्री कृष्ण। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम, सभी कारणों के कारण स्वरूप है, परम ईश्वर है। तो बहुत सारे छोटे मोटे ईश्वर हैं, मगर उन सब ईश्वरों के ईश्वर कौन है? वो है भगवान। ऐसे भगवान को अभी भी नहीं तो बोल सकते हैं, नहीं किसी और की बात कर रहे थे, तो जिसकी बात कर रहे थे वो ही गजेंद्र की रक्षा के लिए आएगा, तब तो क्लियर हो जाएगा ना कि ये परेशाय कौन है, कौन है ये परह ईश्वर, ये वो है जो गजेंद्र की रक्षा के लिए आया। कौन रक्षा के लिए आया गजेंद्र की है? कौन रक्षा करने आया गजेंद्र की? भगवान विष्णु आए, भगवान विष्णु आए। तो इस तरीके से गजेंद्र स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि जो भगवान से सब कुछ आया और जो भगवान सबके कारण है, उन भगवान को हम प्रणाम करते हैं। आगे कह रहे हैं, नयस्य देवा ऋषय परम विदु जंतु पुनाकरति गन्तुमीरितुम यथा नटस्याकृति अभिवेचेष्टितो दुरत्ययानुक्रमण समागतो। नयस्य देवा ऋषय पदम विदु, जिन भगवान को न देवा देवता लोग भी नहीं जानते, पदम विदु, पदम यानी उनके चरण कमलों को, उनके स्वरूप को, उनकी महिमा को नहीं जानते। कौन नहीं जानते? तो कह रहे देवता लोग भी ठीक ठीक भगवान की महिमा को नहीं समझ पाते। समझते हैं अपनी क्षमता के अनुसार समझते हैं, जैसे कोई कबूतर है तो थोड़ा सा उड़ता है, कोई बड़ा पक्षी होता है थोड़ा ज्यादा उड़ लेता है, कोई बहुत बड़ा पक्षी होता है बहुत ही उड़ लेता है, जिसका जितनी उड़ान है वो उतना उड़ सकता है, मगर आकाश कितना बड़ा है ये कोई पक्षी नहीं बता सकता, है ना? बिल्कुल उसी प्रकार से भगवान क्या है, तो कह रहे हैं ना यस्य देवा ऋषय परमिदु, बड़े बड़े देवता भी भगवान को ठीक ठीक नहीं समझ पाते। एक बार की बात है, जब भगवान श्री कृष्ण ब्रज में अपनी लीला कर रहे थे, तो जब अघासुर का वध किए तो ये सूचना ब्रह्मा जी के पास तक पहुंची। जब जैसे ही अघासुर को मारे, इतना जोर शोर से कीर्तन हो रहा था कि पृथ्वी का कीर्तन स्वर्ग तक पहुंच गया, और जब स्वर्ग में इंद्र आदि देवता सुने पृथ्वी लोक पर कैसा कीर्तन हो रहा है, तो इंद्र आदि देवता कीर्तन करने लगे, तो जन लोक में कीर्तन चालू, जन लोक के कीर्तन को सुन के तप लोक में कीर्तन, एक एक लोक में ऊपर करते करते ब्रह्मा जी के लोक में कीर्तन की ध्वनि पहुंची। तो ब्रह्मा जी बोले, भाई इतना कोलाहल क्यों हो रहा है? तो पता चला कि श्री कृष्ण अघासुर को मारे। बोले, अच्छा हम भी देखेंगे जाके कहां पर मारे, कैसे मारे, कुछ देखते हैं। तो जब ब्रह्मा जी नीचे आए देखने के लिए, तब क्या देखे, भगवान अपने सखाओं के साथ बैठ के कलेवा कर रहे थे, कलेवा समझते हैं, लंच लंच कर रहे थे। अभी असुर को मारे, उसके बाद सब लोग थक ही रहे थे, सबको बोले भूख तो लगी, हाँ भूख तो लगी है, तो सब अपना पैकेट निकाला। अच्छा, भगवान का कलेवा करने का सिस्टम भी बड़ा सुंदर है। यमुना के पुरी पर, यमुना के तट पर बैठ जाते थे, और आप लोग कमल का पुष्प देखे ना, तो कमल के पुष्प के आकार में भगवान एकदम बीचम बीच कृष्ण बैठ जाते थे, और उनके सखा उनके इर्द गिर्द ऐसे गोलाकार बैठते थे। तो जैसे कमल का फूल होता है, ऐसे कमल का फूल है, फिर उसमें एक एक पंक्ति ऐसे, फिर एक एक पंक्ति ऐसे रहती है ना, ऑल्टरनेट उस पर रहती है। तो भगवान के सखा पहले एक गोलाकार ऐसे बैठते हैं, और फिर दो सखाओं के मुख के बीच में से इधर सखा का मुख है, ऐसे एक एक पंक्ति बैठेगी,
फिर ऐसे ऐसे करके एकदम कमर दर्द की तरह बड़ा सुंदर रूप से सारे सफर बैठते और साथ में बनेगा करते। बीच में कौन है? भगवान को सेंटर में रहते अपने जीवन पे। अच्छा ऐसा व्यवस्था भगवान का कि जो पीछे बैठे है वो भी भगवान की पीठ नहीं देखता है, सबको भगवान का केवल मुख का दर्शन होता। अब भगवान अपने सखाओं के साथ कलेवा करने खा रहे हैं, तो अब कोई सखा अपना पैकेट में लड्डू लेके आया था, तो लड्डू खाया, बोला कृष्णा बड़ा अच्छा है, मेरे को भी दे। तो उसकी झूठी थाली का लड्डू लेके भगवान खा रहे हैं। ब्रह्मा जी आकाश में आके देख रहे हैं, अरे माथा चकराया ब्रह्मा जी का, बोले ये भगवान है, ये कैसे भगवान हो सकता है? ये वही भगवान है जिसकी वेदों की दीक्षाओं से हम स्तुति करते हैं, अनेकों मंत्रों को और अनेक नियमों को पालन करके भोग लगाते हैं, तब भी पता नहीं कि खाते या नहीं खाता। आज अहीरों का झूठा खा रहा है, ये ग्वाले सब वही रहना है, ये अहीरों का झूठा खा रहा है, ये कैसे भगवान हो सकता है? तब तक भगवान एक बार लीला किए, भगवान का एक सखा बड़ा सुंदर मीठा एक रसगुल्ला लिया उन्हें रखा, कृष्णा रसगुल्ला मुंह में रखते ही घुल जाता है, बोला अरे इतना मीठा रसगुल्ला मुंह में रखते ही घुल जाता है, मैं भी खाऊंगा। तो अब क्या किए कृष्णा, उसके मुंह से छूटा उसका रसगुल्ला लेके खा लिया, तो ब्रह्मा जी का दूसरा माथा चकरा गया, पहले थाली का झूठा हम मुंह से झूठा ले, अहीर का झूठा खाया, ये भगवान कैसे हो सकता है? अरे तब कृष्ण छोड़ेंगे। तब एक तीसरा सखा एक लड्डू मुंह में रखा, कृष्णा ये तो स्वर्ग लड्डू से भी ज्यादा अच्छा है, ला दे मेरे को दे दे। तो भगवान क्या किए, उसके मुंह में ऐसे पकड़े और भगवान अब एक सखा ऐसे कुछ मुंह में लेके बोला, कुछ बहुत भगवान के मुंह को ऐसे उसके मुंह में अपने मुंह को लगा के खा लिए। अब तो बस चार माथे वाला ब्रह्मा जी चार माथा चकरा पाया, कुछ गड़बड़ है। तो ब्रह्मा जी क्या किए, वास्तव में भगवान की मंजुर महिमा को कुछ मधुर महिमा को देखने के लिए ब्रह्मा जी भगवान के सारे बछड़ों की चोरी कर लिए, और इधर से सारे बछड़े जैसे ही गायब हुए तो भगवान के कुछ सखा की नजर गई, अरे बछड़े सब किधर चले गए, हम ढूंढते हैं नहीं तो मम्मी बहुत मारेगी। तो भगवान की सखा उठ के जाने लगे, भगवान अरे रुको रुको तुम लोग बैठो, तुम लोग कलेवा करो, हम ढूंढ के आते हैं। और सुखदेव गोस्वामी इतना सुंदर भगवान की छवि का वर्णन कर रहे हैं, भगवान चल दिए अपने बच्चों को ढूंढने के लिए और हाथ में भगवान दही भात के कवर भी थे, जो खा रहे थे मुंह में रखने वाले थे बस लेके चल दिए, और उंगलियों के बीच में अदरक का इसका उसका अचार फंसा रखे थे उंगलियों के बीच में, ये छोटे बच्चे वो प्लेक्स खाते हैं ना उंगलियों में फंसा फंसा के, वो सब भगवान से है, उंगलियों के बीच बीच में अचार फंसाए हैं और हाथ में दही भात का कवर दिया, और जल्दी अपने सखाओं को खोज कर ले गए, बच्चों को खोज कर ले गए, इधर उधर ढूंढे कहीं मिले नहीं, तब तक जहाँ यमुना पुरी पर सखा के साथ कलेवा करते थे वहां वापिस आए, वो वहां आके देखा तो क्या देखा कि सारे सखा भी गायब हो गए, बछड़े गायब सखा गायब। अब हम लोगों को जैसा कोई होता कितना फेर में पड़ जाता, मगर वो तो साक्षात भगवान है, भगवान एक सेकंड मन में सोचे ओ बेटा का काम है, ये तो ब्रह्मा की है, तो मन में सोचे कि इसको विधि बनाया मैं, वो निषेध नहीं करूंगा, रुकूंगा नहीं उसको, जो ब्रह्मा को करने करने दो, हमें जो करना है वो करेंगे। तो भगवान क्या किए, अपने से अपना विस्तार किए, खुद से अपने सखा हो गए, खुद से बछड़े हो गए, खुद से बांसुरी हो गए, खुद से रेत हो गए, खुद से छड़ी हो गए, खुद से रस्सी हो गए, सब कुछ भगवान ही हो गए। और एक साल तक ब्रज में भगवान ऐसे घूमे,
खुद से खुद को हाँपते थे, खुद से खुद को चराते थे, वो ब्रज की घास को भगवान खाए, वो बछड़े तो भगवान ही है ना, तो ब्रज मंडल की घास को भगवान चरा करते थे बछड़े के रूप में। और इस तरीके से एक साल मृत्यु हुआ तो ब्रह्मा जी भगवान के सखाओं को बछड़ों को छिपा के आए और आके देखे कि देखते हैं कि कृष्ण रोता हुआ, मेरे सारे फ्रेंड्स भी भाग चले गए, सारे बछड़े कहाँ चले गए, रोता हुआ जाके देखते हैं। तो ब्रह्मा जी ने मतलब जाके देखे तो क्या देखे कि जैसे एक साल पहले लीला चल रही थी अभी भी बिल्कुल वैसी है, जितने सखा उतने सखा अभी भी मौजूद है, और जैसे सखा थे जैसा फेस उसका, जैसा स्वभाव उसका, जैसी बोली उसकी, बिल्कुल वैसा ही भगवान कर रहे थे और बछड़े भी बिल्कुल वैसे ही। तो ब्रह्मा जी और ये ओरिजिनल है या जो मैं छिपा कर रहा हूं वो ओरिजिनल है, ये डुप्लीकेट है क्या, जो मैं छिपा के वो कुछ समझ में नहीं आ रहा ब्रह्मा जी को, बड़ा परेशान है, जाके देख के आए, फिर आए और उसके कौन आदमी है कुछ पता नहीं चल रहा। तब तक जब भगवान देखे ब्रह्मा बहुत परेशान है, तो सारे जितने बछड़े सखा सब कुछ थे सब ब्रह्मा जी ने चतुर्भुज विष्णु स्वरूप का दर्शन किए। तब ब्रह्मा जी समझे कि मैं मायापति के साथ माया करने की कोशिश कर रहा हूँ, अपने से बहुत बड़े व्यक्ति के ऊपर माया नहीं चलती है, गलती हो गई से। तो ब्रह्मा जी बहुत सुंदर 40 श्लोकों में भगवान की स्तुति किए और भगवान एक शब्द ब्रह्मा जी से नहीं बोले और ब्रह्मा जी प्रणाम किए, एक दिन 7 बार प्रणाम किए, प्रणाम किए उठे, फिर प्रणाम किए फिर उठे, फिर 40 श्लोक की स्तुति बोले और भगवान कहाँ से आके बोलेगा, मैं कुछ बात ही नहीं देख पिए कृष्णा। तो गजेंद्र कह रहे ना यस्य देवा, बड़े बड़े देवता भी जिनके तत्व को ठीक ठीक समझने में कंफ्यूज हो जाते हैं। एक बार की बात है कि भगवान शिव जो है वो अपने बैल के ऊपर बैठ के और साथ में सती माता थी तो जा रहे थे और रास्ते से जब गुजर रहे थे तो उस समय उनको भगवान रामचंद्र दिखाई दिए, सीता माता नहीं थी, रावण अपहरण किया था और राम जी को देखे तो बस शिव जी देखते करम जय सच्चिदानंद इतना है, प्रणाम किए आगे चले। तो सती माता पूछती है कि कौन था वो, कौन था रे, सच्चा भगवान थे जय सच्चिदानंद बोले ना हम राम, अरे वो तो दशरथ का लड़का। तो शिव जी बड़ा तरह तरह से सती माता को समझा रहे कि देखो शक मत करो, वो साक्षात भगवान है, जिन भगवान की कथा अभी हम अगस्त मुनि के साथ चर्चा करके आए, अगस्त मुनि के साथ कुछ सत्संग करके आए थे शिव जी, जिन राम की कथा अगस्त मुनि के साथ सत्संग करके आए, ये वही मेरे आराध्य प्रभु श्री रामचंद्र है। तो जब सती माता कैसे भी समझ के नहीं दे रही थी तो परीक्षा कर रही, शिव जी बोले ठीक है परीक्षा करो, मगर हम परीक्षा करेंगे तब तक आप कहीं और चले जाओगे, बोले ना 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 हम बरगद के वृक्ष नीचे ही बैठते हैं हरिनाम जप करते हैं, तुम्हें हो गया। तो सती माता पहुंची, अब सोची कि कैसे रावण की परीक्षा करूं, तो माता सती सीता का वेश धारण कर ली, सोची क्या कि जैसे ही राम देखे ना मेरे को तो तुरंत दौड़ेगा, हाय मेरी सीता तुम कहाँ चली गई थी, तुम्हारे बिना तो वही सीता का स्वरूप बना के ये सोचे कि राम भाई का विकट हो जाएगा उसको देख के। और जैसे ही सती माता सीता का वेश धारण करके राम जी के पास पहुंची तो राम जी प्रणाम करके बोले, महादेव आज आप अकेले मन में कैसे घूम रही है, महादेव की तरह है, अरे अब तो पकड़ी गई सती माता, वो सोची कि नहीं पकड़ी जाएगी मगर राम जी से कौन प्रकट कर सकता है। और राम जी देखते ही और कुछ नहीं बोल गए, माते आज आप अकेले कैसे मन में विचरण कर रही है, महादेव किधर है, आप तो पकड़ी नहीं, बड़ी लज्जित। तो जब वापस गई शिव जी के पास तो मन में अब सोच रही है कि क्या करूं क्या करूं, वो शिव जी भी बड़े क्रोध की हैं, गए जैसे ही वैसे ही शिव जी पूछे कर रही परीक्षा, सच सच बताओ
और जानते हैं कि सती अभी झूठ बोलेगी, तो जान बच्चे बोल रहे सच सच बताना, झूठ मत बोलना। हम क्यों परीक्षा करने लगे, जैसे आप प्रणाम किए हम भी प्रणाम करके आ गए। एक संत बोल रहे, मैं नहीं बोल रहा, आपने मुझको मत मान लेगा, एक संत बोल रहे थे कि स्त्रियां झूठ बोल रहे हैं बहुत अपमाए, मैं नहीं बोल रहा आपको मुझको मान लेते। सोचिए ये तो कितनी बड़ी देवी है सती माता, उनके मुंह से भी एट अ टाइम झूठ निकल गया। हम कहा परीक्षा दी, जैसे आप हमको प्रणाम किए हम भी प्रणाम करके आ गए। अब शिव जी तो महादेव हैं, त्रिकालदर्शी हैं, थोड़ा सा ध्यान लगाए तो समझ गए। ओहो, पहले तो अपराध करके आए, तो शिव जी को इतना खराब लगा कि मेरी आराध्या माँ जानकी का स्वरूप ही बना के कपट करके गई राम के पास। इतना खराब लगा, इतना खराब लगा कि उसी दिन सती माता को मुझसे त्याग दिया, और उसी के फलस्वरूप बाद में दश प्रजापति के यज्ञ में सती माता अपना देह त्याग की थी। शिव जी उसी दिन से सती माता से बातचीत करना बंद कर दिए थे, मन ही मन उनको त्याग दिए थे। सती माता भी समझ रही थी कि शिव जी अब हमको इस शरीर से नहीं रखूंगा, स्वीकार नहीं करते। इसीलिए जब दश प्रजापति उनके पिता के घर में यज्ञ हुआ तो सती माता धैर्य त्याग करके फिर बाद में पार्वती के रूप से आ गई। तो कह रहे हैं रजेंद्र ना यस्य देवा ऋषय पदम विदु, बड़े बड़े देवता ब्रह्मा जी सती माता इंद्र आदि देवता भी जिन भगवान को नहीं समझ पाते, और ना ऋषय ये जटा धारण करने वाले बड़े बड़े ऋषि जो हैं वो भी भगवान की महिमा को ठीक से नहीं समझ पाते। कितने ऐसे लोग होते हैं जो भगवान को प्राप्त करने की इच्छा से हम कुछ ध्यान करेंगे तपस्या करेंगे चले जाते हैं हिमालय में, एकांत में रहेंगे, हिमालय में पर ब्रह्म का चिंतन करेंगे, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, केवल ब्रह्म सत्य है ये जगत सब मिथ्या है, तो हिमालय में चले जाते हैं, बहुत साल तक तपस्या करते हैं, मगर भगवान को नहीं समझ पाते अपनी तपस्या से, वो भगवान को अनुभव नहीं कर पाते अपनी तपस्या से, तो वापस इसी जड़ जगत में आते हैं, हिमालय से उतर के शहरों में घूमते हैं, स्कूल खोलते हैं, हॉस्पिटल खोलते हैं, कॉलेज खोलते हैं। आप कितने सारे मायावादियों की फोटो देखेंगे स्कूलों में कि इनकी प्रेरणा से स्कूल चल रहा है। अगर भ्रम सत्य है जगत मिथ्या है सब कुछ संसार त्याग के आप गए थे कुछ भ्रम की खोज करने के लिए, तो वापस इस मिथ्या जगत में परोपकार करने आप कैसे वापस आ गए, क्योंकि उनको भ्रम का सुख अनुभव नहीं हुआ इसलिए उनको वापस आना पड़ा। इसके बिल्कुल विपरीत भगवान का भक्त होते हैं, भगवान के भक्त शुरू से ही परोपकार में लगे रहते हैं, जन्म सार्थक करीकर परोपकार, वो भगवान का कीर्तन करते हैं तो कहाँ करते हैं पब्लिक प्लेस में करते हैं, भगवान की कथा भागवत पढ़ते हैं भागवत बोलते हैं, भगवान के श्री विग्रह का पूजा करते हैं आरती करते हैं, तो सबको सब बुलाते हैं, तो खुद भी भजन करते हैं बाकी सबसे भी भजन कराते हैं। मगर कह रहे हैं गजेंद्र न यस्य देवा ऋषयः, ऐसे ऋषि उन्हीं जो एकांत में चले जाते हैं प्रायः भगवान को समझ नहीं पाते हैं। न यस्य देवा ऋषयः पदम विदु, नहीं विदु यानी जान नहीं पाते हैं, जंतु पुनः वर्ति अंतु विनतम, और जब देवता नहीं समझ पाते ऋषि मुनि नहीं समझ पाते तो आज कल का आदमी कहां से समझेगा। आज के जो वैज्ञानिक हैं वो भगवान की इस सृष्टि का 0.00001% भी समझे नहीं है। हम लोग बच्चे थे तो बिग बैंग थ्योरी पढ़ते थे, और उसमें क्या वर्णन क्या है कि सृष्टि कैसे हुई, एक बूम ब्लास्ट और सृष्टि हो गई, मनुष्य बन गए, गधे बन गए, सुअर बन गए, ऊंट बन गए, पेड़ बन गए, बिल्डिंग खड़ी हो। सोचिए अगर मैं आपको बोलूं कि यहाँ पर एक बॉम्ब ब्लास्ट किया और सारा पंडाल बन गया, लाइटें लग गई, पंखे लग गए, वो सब लोग अपने आप आके बॉम्ब ब्लास्ट से आके बैठ गए, ये फोन लग गया, कैमरा लग गया, टेबल सेट हो गया, ब्यास आसन लग गया, साउंड बॉक्स लग गया, ये साउंड वाले भैया कुछ भी देखिए बॉम्ब ब्लास्ट से सब कुछ हो गया, आप लोग मुझे क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं पागल बोल रहे हैं, हम भी एक बोल रहे हैं पागल बोल रहे हैं, मेंटल है क्या बॉम्ब ब्लास्ट से होता है। आप देखिए हमारे वैदिक शास्त्रों में कितना सही ज्ञान दिया गया है, मगर आज कल के वैज्ञानिक क्या बोलते हैं, ये सब माइथोलॉजी है, मंदगढ़ंत कहानी है। और आपकी बिग बैंग थ्योरी
बम ब्लास्ट हुआ, सब कुछ गिर गया। आप सोचिए एक बम ब्लास्ट से मनुष्य शरीर बन सकता है, इसमें कितना बढ़िया तरीके से एक नाड़ियां फिक्स की गई है कि रक्त चलेगा उसमें से, उसकी मशीन हार्ट कितना बढ़िया तरीके से लगाया है, किडनी लगाया है, सफाई के लिए लीवर लगाया है, कितना सारा चीज भगवान ने फिट किया है मनुष्य शरीर में। क्या ये बम ब्लास्ट से हो सकता है? आप अपने पेट के अंदर बम ब्लास्ट करके सकते, मान लीजिए किसी की किडनी फेल हो जाए, पेट में जाकर बम ब्लास्ट कर दीजिए, वापस किडनी बन जाएगी, कितनी बड़ी मनगढ़ंत कहानी है। तो खैर पहले तो हम ही लोग बोलते थे, अभी नासा की एक नया रिपोर्ट आया है, उसमें नासा वाले भी बोले कि बिग बैंग थ्योरी एकदम बोगस है। ऐसी ऐसी थ्योरी आजकल के वैज्ञानिक देते हैं, क्या थ्योरी देते हैं, बोलते हैं कि हम सब बंदर के डाल। एक बार रिलेशन प्रभुपाद से व्यक्ति अड़ गया, बोला कि डार्विन जी बताए हैं कि पहले हम वानर थे, धीरे धीरे क्रमशः हम मनुष्य के रूप में हुए हैं। और प्रभुपाद जी बोले ऐसा नहीं था, राम जी की लीला में वानर भी थे मनुष्य भी थे, है ना। नहीं नहीं स्वामी जी, डार्विन जी बताए हैं कि पहले हम वानर थे, बंदर थे, और आज हम मनुष्य बन गए हैं, हम सब बंदर की औलाद हैं। प्रभुपाद जी बोले तुम ही बंदर की औलाद हो गए, हम लोग भारतीय नहीं, हम लोग क्या तो गांव में अगर खेल खेल में बच्चा में बोल देगी तू वानर की औलाद, तो बच्चा चिढ़ जाता है। और इतने बड़े साइंटिस्ट बोलते हैं हम वानर की औलाद, और नोबेल पुरस्कार दिया जाता है ऐसे चीज, कितना बड़ा सिद्धांत, कितना। और बचपन में पढ़ाया जाता था, मगर अभी डार्विन की थ्योरी को भी रिजेक्ट कर दिया, उन्हीं वैज्ञानिकों ने उस थ्योरी को भी रिजेक्ट कर दिया कि ये भी गलत है। तो आजकल के लोग केवल मनगढ़ंत कहानियां बनाते हैं, केवल अटकलबाजी करते हैं, और अटकलबाजी करके इस सृष्टि के 1% भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर पा रहे। कितने ब्रह्मांड है, कितने यूनिवर्स है, कितने प्लैनेट है, अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ। हम लोग बचपन में 6वीं कक्षा में थे तो 9 प्लैनेट बताते थे, 9 ग्रह। और जब हम 6वीं कक्षा में जनवरी का महीना आया तो बोले कि 10 ग्रह हो गए, तो अब ठीक है एग्जाम में बस नहीं देंगे। और जब तक मार्च का महीना आया बोले वापिस 9 गए, वो ग्रह नहीं। एक बार बताओ ना, हमारे वैदिक शास्त्र में पहले क्लियर बता दिया कि नग्न है ना, तो तुम क्यों अटकलबाजी करते हो? आज 9 हो गए, आज 10 हो गए, फिर 9 हो गए, फिर 8 हो गए, फिर 9 हो गए, फिर 12 हो गए, फिर 9 हो गए, अंत में आपको आना पड़ेगा कि 9 है। मगर यही गजेंद्र कह रहे हैं कि न यस्य देवा ऋषय परम विदुः, जब देवता ऋषि लोग भगवान को पूरा पूरा नहीं समझ पाते तो जंतु पुनः कोर्हति गन्तु वीरतुम, तो फिर आजकल के जंतु या हमारे जैसे पशु कहां से भगवान को समझ सकते हैं। कोर्हति गन्तु वीरतुम, जब उनके पद को नहीं समझ सकते हैं, जब समझ ही नहीं सकते तो वीरतुम बोल कहां से पाएंगे, बता कैसे सकते हैं कि भगवान कैसे हैं। कह रहे यथा नटस्याकृति अभिवेच चेष्टितो, कह रहे भगवान कैसा काम करते हैं, यथा नटस्य, जैसे कोई नाटक करने वाला, कोई नृत्य करने वाला, कोई डांसर है, तो वो अपनी आकृति के द्वारा और अभिव्यचिष्ट को अपनी चेष्टाओं के द्वारा कुछ डांस दिखाने की कोशिश करता है। तो जो लोग डांस की कला को जानते हैं, नृत्य कला को जानते हैं, वो जानते हैं कि कोई नाटक करने वाला कुछ वेश धारण करता है, वो कभी कभी वो डॉक्टर का वेश धारण करता है और डॉक्टर की तरह बात करेगा, वो एक सेकंड पर्दे के पीछे जाएगा, वाइट कोट उतार के काला पहन जाएगा, वकील की तरह बात करेगा, होता है ऐसा। अगर कहीं नाटक देखे हो तो ऐसा करता है नाटक करने वाला, बिल्कुल उसी तरीके से। वो शरीर नहीं बदला, शरीर उसका वही है, केवल ड्रेस बदल लेता है, उसका रोल चेंज हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही भगवान जब वसुदेव देवकी के सामने प्रकट हुए तो चतुर्भुज नारायण स्वरूप से प्रकट हुए। और भगवान की कोई जन्म पत्री बनाए तो छोड़िए, भगवान अपने माता पिता के 3 जन्म की कुंडली चला दिए जन्म लेने के समय। और उसके बाद जब माता देवी देव की बोली, अरे आप इस रूप को छिपा लीजिए, कंस मार देगा आपको, एक साधारण शिशु का रूप धारण कर लीजिए, तो भगवान शरीर नहीं बदले, वही चतुर्भुज भगवान द्विभुज श्याम सुंदर के रूप से। जैसे एक नाटक करने वाला अभी डॉक्टर था, अभी वकील हो गया, शरीर नहीं बदला, बिल्कुल वैसे ही भगवान को शरीर नहीं बदलना पड़ता। अर्जुन गीता में भगवान से पूछे,
जब भगवान बोले कि यही भगवद गीता का ज्ञान मैंने हजारों करोड़ों वर्ष पहले सूर्यदेव को दिया था, बोले अरे तुम तो मेरी उम्र के हो कृष्ण, कहां से तुम जाके सूर्यदेव को करोड़ों वर्ष पहले दिए। बोले अर्जुन बात ऐसी है कि ऐसा कोई समय नहीं था जब तुम नहीं थे, ऐसा कोई समय नहीं जब हम नहीं थे, और ऐसा कोई समय नहीं होगा जब तुम और मैं नहीं होंगे, मगर क्योंकि तुम शरीर बदलते हो इसलिए तुम भूल जाते हो, और मैं शरीर नहीं बदलता इसलिए मैं भूलता नहीं। हम लोग शरीर बदलते हैं तो उसमें हमें पूर्व की सारी स्मृति चली जाती है, मगर भगवान क्योंकि शरीर नहीं बदलते, उनका चिन्मय शरीर है, इसलिए भगवान को याद रखते। तो जैसे एक नाटक करने वाला, आप कभी देखेंगे नाटक करने वाला बहुत इशारे करके कुछ बताता है, वो आंखों के इशारों से कुछ बताता है, पुहों के इशारों से कुछ बताता है, कुछ हाथों के इशारे से बताता है। हम एक बार देखे बहुत सुंदर एक डांस दिखाया जाता है दशक का शो के ऊपर, आप लोग देखे कभी, हम कभी नहीं देखे, यूट्यूब पे देखेगा। तो भगवान जब दस अवतार लिए तो उसका बहुत सुंदर नृत्य कला के द्वारा प्रदर्शन किया जाता है। तो जब कोई भी अवतार की लीला बताई जाती है दिखाई, वो केवल संगीत चलेगा और जो डांस कर रही है वो अपने एक्शन से व्यवहार से दिखाएगी वो कौन सी लीला दिखा रही है। तो जब मत्स्य रूप दिखाएगी तो ऐसे ऐसे मछली की तरह करती है, और नरसिंह रूप दिखाए तो एक पैर ऐसे ऊपर करती है। तो फर्स्ट टाइम जब लाइफ में देखा ये डांस, ऐसा डांस कभी जीवन में नहीं देखा, कभी ऐसे कर ली करना का चाहिए सर, और एक पैर ऐसे ऊपर करके ऐसा डांस आप कभी देखे, डांस तो समझ में नहीं आएगा। तो जिसको ऐसी नृत्य कला की जानकारी नहीं है, यदि वो ऐसा नृत्य देखेगा भी तो समझ नहीं पाएगा, है ना। अगर आपको जानकारी है पहले से कि वो क्या दिखा रही है तो आप ऐसे नृत्य को समझ पाएंगे। बिल्कुल उसी प्रकार से भगवान ऐसी लीलाएं करते हैं कि जिसको भगवान का ज्ञान नहीं है वो भगवान को देख के भी नहीं समझ पाता। देखता है आंखों के सामने, क्या कंस के सामने भगवान नहीं थे, क्या शिशुपाल के सामने भगवान नहीं थे, क्या दुर्योधन के सामने भगवान नहीं थे। वो दुर्योधन के सामने जब भगवान संधिदूत बन के गए तो दुर्योधन बोलता है पांच गांव क्या सुई की नोक जितना भी नहीं दूंगा। सोचिए साक्षात भगवान को मना कर रहा है दुर्योधन, और क्या बोलता है तू संधिदूत बन गया है, अपने आदमियों को बोला बांध लो इसको। तो भगवान बोले अच्छा दुर्योधन मुझको बांधोगे, हाँ तो थोड़ा जंजीर बड़ा अवसाद मुझे, हाँ थोड़ा सा जरा देख तो मेरे पेट में तो सारे ब्रह्मांडों को देख और मेरी भुजाओं में आकाश को देख, इतना विराट रूप भगवान बना दिए। बोले इतनी बड़ी जंजीर ला के बांध कर देखा। देखिए साक्षात भगवान दुर्योधन के सामने है मगर दुर्योधन भगवान को समझ नहीं पा। तो एक बार की बात है प्रभुपाद जी से विदेश में व्यक्ति अड़ गया, बोला कैन यू शो मी गॉड, क्या तुम मुझे भगवान दिखा सकते हो, इतना तुम बता रहे हो भगवान के बारे में गीता भागवत ये वो ये, कैन यू शो मी गॉड। और प्रभुपाद जी बोले इवन इफ आई शो यू गॉड हाउ डिड यू रिकॉग्नाइज, अगर मैं तुमको भगवान दिखा भी दूंगा तुम पहचानोगे कैसे कि ये भगवान है, पहले तुमको जानना पड़ेगा कि भगवान है क्या, नहीं तो किसी को भी भगवान मान लोगे। आजकल क्या है कि चमत्कार का नमस्कार, कोई कुछ चमत्कार दिखा दे आपकी बीमारी ठीक कर दे भगवान साक्षात भगवान। वो बाबा तो बेचारे परेशान है, हाँ बागेश्वर धाम परेशान है, वो कितनी बार प्रवचन में बोलते हैं भाई मैं भगवान नहीं हूँ मैं उनका दास हूँ, कुछ शक्ति हनुमान जी की कृपा से आपको ठीक कर देता हूँ, हाँ ना आप ही साक्षात है। वो कितनी बार बेचारे बोलते हैं मैं भगवान नहीं हूँ मैं दास हूँ दास हूँ दास हूँ दासवस्मी दासवस्मी, कोई सुनने को तैयार नहीं। तो पहले जानना पड़ेगा कि भगवान है कौन, जब तक जानेंगे नहीं तब तक भगवान सामने भी आ जाएगा तो पहचान नहीं पाएंगे कि भगवान कौन है। वो तो ईमानदार है बोल देते कि मैं भगवान नहीं हूँ, यही कोई बेईमान होगा तो बोलेगा हम ही तो भगवान है देखते नहीं। आजकल तो ऐसा चल ही है। तो प्रभुपाद जी क्या करते थे कि ऐसे अगर कोई भगवान बनता है तो उसको बोलो एक बार अर्जुन को तो भगवान विराट रूप दिखाए थे थोड़ा दिखाओ अपना विराट रूप। अच्छा चलो छोड़ो, जब समुद्र मंथन हो रहा था तो मंदराचल पर्वत भगवान की पीठ पे रखा जा रहा था, उससे भगवान को नींद आ गई, भगवान
कश्यप के रूप में थे, कछुए के रूप में थे, उनकी पीठ पे मंदराचल पर्वत रगड़ रहा है और भगवान सुख से सो गए। तो आजकल जो भगवान बनते हैं उनमें से किसी की पीठ के ऊपर पर्वत छोड़ दीजिए, केवल एक कुंटल आटे का पूरा उनकी पीठ पर रगड़ के देखिए ना कि कितना सो जाते हैं। नहीं सहन कर, हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि वो भी छोड़ दीजिए। जगन्नाथपुरी में भगवान चौवन बार भूख लगता है भगवान जगन्नाथ जी को, और छोटे छोटे बर्तनों में नहीं लगता, बड़े बड़े हंडियों में भगवान को, जिन बर्तनों में कुकिंग होती है उन्हीं बर्तनों में, बड़े बड़े बर्तनों में भगवान को भोग लगता है। मतलब समझिए एक बार में एक एक कुंटल चावल का भोग लगता है भगवान को। तो हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि जगन्नाथ जी का एक दिन का भात खा के दिखा दो तो भी आपको भगवान में उतना खा भी नहीं सकते हैं। तो पहले जानना पड़ेगा कि अरे जैसे उस डांसर के, जैसे उस नाटक करने वाले के स्वरूप को और उसके एक्शंस को वो क्या दिखाना चाह रही है उसको जाने बिना कोई उसके डांस को देख के नहीं समझ पाता, बिल्कुल वैसे ही दुरत्य अनुक्रमण समागत हो वो भगवान की लीलाओं को देख के भी कई बार उनकी लीला समझ नहीं आती। और जानते हैं भगवान कई बार जान पूछ के ऐसी कोई लीला करते हैं जिससे कि लोग कंफ्यूजन में पड़ जाए ये सच में भगवान है या नहीं, वो भी जान बुझ के ऐसा कुछ ना कुछ जरूर करते हैं। इसलिए यदि भगवान को जानना है तो भगवान को भगवान से ही जानना पड़ता है। अगर मेरे बारे में आपको जानना चाहते हैं तो सबसे अच्छी इन्फॉर्मेशन कौन दे सकता है, मेरे से पूछ लो भाई। तो ऐसे अगर भगवान के बारे में जानना है तो सबसे बेस्ट कौन बता सकता है। तो तत्र उपायम सहस्त्रयम यथा भगवत उदितम, प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि हजारों करोड़ों उपाय हैं भगवान को जानने का, मगर सबसे अव्वल नंबर का उपाय है कि जो भगवान ने भगवत गीता में बोला उससे आप भगवान को 100% जान सकते हैं। दुरत्य अनुक्रमण, उनका अनुक्रमण, उनकी चाल जो है वो समझना बड़ी मुश्किल है। जिन भगवान के चरणों को, जिन भगवान के स्वरूप को बड़े बड़े देवता ऋषि नहीं समझ पाते उन भगवान की लीला को कहां से समझेंगे, और जिन भगवान के चरणों को, उनके स्वरूप को, उनकी लीला को नहीं समझ पाते उसको बोल कैसे लेंगे। तो बोले इसका मतलब क्या कोई भगवान के बारे में बोल नहीं सकता, क्या कोई भगवान को नहीं समझ सकता, अरे ऐसा नहीं है। बोले ये तो मायावाद हो जाएगा, उसके बारे में कोई कुछ बोल नहीं सकता, उसके बारे में कोई कुछ सोच नहीं सकता, उसको लिखा नहीं जा सकता। तो ऐसा भगवान नहीं है, भगवान को तो माँ यशोदा लगती भी है, रोज रोज देखती थी यशोदा, कभी कभी उनका ताली भी खींच लेती थी, इतना सब बता रहे हैं कि भगवान को कैसे देखा जा सकता है। दिदृक्षव यस्य पदम सुमंगलम विमुक्त संगा मुनय सुसाधवः चरन्ति अलोका व्रतमावृणं वने भूतात्म भूता सुहृद समेगति। तेरे भगवान को जानने की पहली योग्यता क्या है, दिदृक्षव, जो भगवान को देखने का इच्छुक है, जिसके अंदर ईगरनेस, जिसके अंदर लालसा है भगवान को देखने की, भगवान को समझने की, वो सबसे योग्य व्यक्ति है भगवान को समझने के लिए। जो चाहता नहीं भगवान को समझना, यदि उसको समझाया भी जाए, एक श्लोक कहा गया है नीति शास्त्र में कि जिसको स्वतः इच्छा नहीं है, जिसको स्वतः वैराग्य नहीं है, तो शास्त्र क्या भगवान भी उसको अपने आप को नहीं समझा सकते हैं। शास्त्र को छोड़ दीजिए, यदि भगवान भी खुद आके अपने आप को समझाएं वो नहीं समझ पाएगा भगवान को। तो सबसे पहली चीज क्या चाहिए, इच्छा। इच्छा तो कोई करे कि हमें भगवान को देखना है, इच्छा तो कोई करे कि हमें भगवान को समझना है। तो सबसे पहली योग्यता है दुर्भिक्षा, इच्छा होनी चाहिए, उत्कट लालसा होनी चाहिए कि भगवान को, जैसे ध्रुव महाराज के अंदर लालसा थी कि मुझे भगवान से मिलना है और इसी जन्म में मिलना है, और नारद जी को भी कह दिया कि या तो भगवान से मिलने का उपाय बताइए या आप अपने रास्ते जाइए, हम अपने रास्ते जाइए, मगर वापिस घर लौट कर नहीं जाइए। ऐसा उत्कट लालसा था ध्रुव महाराज का, इच्छा हो कि हम भी भगवान के भक्त बने, हम भी भगवान के नाम का जप करें, हम भी भगवान की कथा का श्रवण करें, हम भी भगवान की सेवा में जुड़े,
और हम भी सुखी हो जाए। आजकल तो ऐसी स्थिति है कि लोग सुखी भी नहीं होना चाहते। एक गीत फिल्मी गीत गाया गया है, बोलना नहीं चाहिए, ऐसे जना गीत गा रहा है, उस शहर भर की खुशी से कम मेरा पड़ा है। सोचिए लोग रोना बोना ही चाहते हैं तो उन लोगों को कैसे आप सुखी कर देंगे। और भगवान को भी बोल रहे थे पीछे कि आप लोग गुलाब जामुन खाते हैं तो गुलाब जामुन कोई मुंह बंद करके खाते हैं? रसगुल्ला खाएंगे मुंह बंद करके खाएंगे? कोई स्वादिष्ट वस्तु अगर मिले तो व्यक्ति मुंह खोल के उसको, मगर भगवान का नाम लेने में होता है तो मुंह बंद कर देते हैं। फेविकोल का जोर है छूते टेस्ट कैसे आएगा आपके? अगर आप भगवान के नाम का उच्चारण ही नहीं करेंगे, उसका सेवन ही नहीं करेंगे, जब आप रसगुल्ला नहीं खाएंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि हरि का नाम कितना मीठा है? तो खुद की इच्छा बहुत ज्यादा। कुछ लोगों का बोले कि भगवान का नाम जपा करो, करेंगे ओ करवाएगा जब तब करेंगे, कौन करे? ओ ऊपर वाला हम गीत गीत भी तो ऊपर होता है, कौन ऊपर वाला? क्लियर होना चाहिए ना, ऊपर वाला कौन? ऊपर है भगवान कृष्ण, तो वो कराएगा। अच्छा तो वो आएगा और आपके हाथ में ऐसे माला पकड़ाएगा, करू जी पकड़िए, वो पकड़ाएगा कब पकड़ेंगे? अच्छा पकड़ लीजिए गुरु जी, वो पकड़ाएगा ना तभी तो फंसेगा, फंसेगा माला उंगली में, वो पकड़ाएगा तभी तो उंगली में आएगा। अच्छा मुंह से बोल लीजिए भगवान, वो बुलाएगा तभी तो बोला जाएगा। अरे इतना बोल सकते हैं कि वो बुलाएगा तभी तो बोला जाएगा, वो तो बोल रहा है कि बोलो, वो साधु संतों को भेजता है, गीता में प्रवचन करता है, भागवत में बोल रहा है कि बोलो मेरा नाम, बोलो मेरा नाम मेरे से मुझे प्राप्त कर जाओगे, भी नहीं बोलना चाहते है। तो दिव्य गजेंद्र कह रहे हैं भगवान को बड़े बड़े देवता नहीं समझ सकते, ऋषि नहीं समझ सकते, क्या बाकी संसार के लोग समझेंगे, मगर वो व्यक्ति समझ सकता है जो भगवान को समझना चाहता है। भगवान अपनी कृपा से उसको समझ में आता है। तो दृढ़ेश्वरो यस्य पदं सुमंगलम, कैसे भगवान तो कह रहे हैं जिनके चरण कमल सुमंगलम, अत्यंत मंगल में जिनके चरण कमल है, मंगल भवन मंगल हार, भगवान इतने मंगल में है कि केवल भगवान का नाम लेने से, उनका स्मरण करने से, कैसे भी भगवान से जुड़ जाने से व्यक्ति का मंगल हो जाता है। अनेक मंगल के उपाय है, अनेक मंगल के उपाय है, मगर समस्त मंगलों के उपाय में सबसे ज्यादा मंगल भगवान के नाम से होता है। मधुरम मधुरेभ्यो मंगलेभ्यो मंगलम, पावनम पावनेभ्यो हरे नामेभ्यो। कहा गया है कि अनेक मधुर वस्तुएं हैं, अनेक मीठी चीजें हैं, मगर अगर पूछा जाए कि सबसे मीठी वस्तु कौन सी है तो वो है कृष्ण। कृष्णा से ज्यादा कोई मीठा नहीं है, वो हर तरह से मीठे हैं। जैसे आप अभी दिवाली पर चीनी का खिलौना देखते होंगे और कहीं से भी खाएंगे तो कैसा दिखेगा? मीठा। तो बिल्कुल वैसे ही भगवान आप कहीं से भी देख लीजिए, कैसे भी भगवान से जुड़ जाइए तो मीठी वस्तुओं में सबसे मीठे कृष्ण हैं। मधुरम मधुरे भी और मंगल भी मंगलम, इतनी मांगलिक वस्तुएं हैं, इतने मांगलिक नियम किए जाते हैं शादी ब्याह में इसमें उसमें, मगर सबसे ज्यादा मंगल होता है भगवान से, भगवान के नाम से। मंगल अपनी मंगलम और पावन भी, पावन करने वाली में, पवित्र करने वाली वस्तुओं में सबसे ज्यादा पवित्र करने वाली वस्तु है हरे नाम भगवान का नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। कहें दृढ़ेश्वरो यस्य पदं सुमंगलम, विमुक्त संगा मुनय सुसाधवा। और दूसरी क्वालिफिकेशन बोल रहे हैं कि विमुक्त संगा होना चाहिए। विमुक्त संग का क्या मतलब है? कि मुक्त पुरुषों के संग में रहने वाला, संतों का संग जो करेगा, साधुओं का संग जो करेगा, भगवान के भक्तों का संग जो करेगा, वो भगवान को समझ सकता है। अन्य उपायों से भगवान को समझना एकदम असंभव है। विमुक्त संगा जो मुक्त पुरुष है,
विशेष रूप से मुक्त पुरुष हैं, जिनकी संसार में आसक्ति नहीं है, केवल भगवान श्री हरि के चरण कमलों में आसक्ति है, केवल भगवान की सेवा ही उनका जीवन है, केवल भगवान की कथा उनका नाम ही उनका जीवन है, ऐसे भक्तों के संग में ही भगवान समझ में आ सकते हैं, दूसरा तरीका है। और विमुक्त संघ का अर्थ है कि खराब संघ से दूर है के व्यक्ति संतों के संग में रहे तब भगवान को अच्छे से समझ सकता है। भक्ति सिद्धांत महाराज उदाहरण दिया करते थे कि यदि कोई बीमार व्यक्ति है और उसको डॉक्टर दवाई दे और दवाई देते समय बोले कि आप ये दवाई खाइए और तंबाकू मत खाइएगा, आप 2 महीने में ठीक हो जाएंगे, मगर ऐसा व्यक्ति दवाई भी खाता रहता है और तंबाकू भी खाता रहता, तब क्या होगा, वो व्यक्ति ठीक नहीं होता। तो उसी प्रकार से असत्संग जो है ये असत्संग व्यक्ति को एकदम खत्म कर देता है। आप देखिए केकई माता जो थी, केकई माता भगवान राम को बहुत प्रेम करती थी, भरत से ज्यादा लगाव केकई को राम जी से था, मगर एक मथुरा उनका कान भर दी, तुम्हें पता है इस अयोध्या में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कल राम को राज्य अभिषेक हो। केकई बड़ी खुश हुई, बड़ा तो बड़ा मंगल वचन सुना रही है, कितनी अच्छी बात बता रही है, कल राम का तू भोली भाली है, तेरे को क्या बताऊं, मगर मैं अभी क्या करूं ना, तेरे हित की बात कहे बिना उनसे रहा नहीं जाता, मुझे पता है कि तू अच्छा नहीं मानेगी, मैं क्या करूं, मैं नेचर से इतनी अच्छी हूं कि तेरे साथ बुरा होगा मुझसे सहन नहीं होता, कुछ बोलूंगी, अच्छा बोलो, तो फिर सारी खिचड़ी पका कि भरत को नौकर बना देंगे, तुझको नौकरानी बना देंगे, राम राज्य करेगा, कौशल्य चलेगी, और एक मंत्रा के संग से केकई की मति इतनी फिर गई कि मांग ली दशरथ महाराज से क्या कि राम को 14 साल वनवास भेज दो और भरत को राज्य अभिषेक। देखिए छोटा सा असत्संग व्यक्ति को कितना फेर में डाल देता है, कितना फजीहत में डाल देता है, थोड़ा सा खराब संग की केकई कितना खराब से, बस थोड़ी सी गुफ्तगु करनी उसके साथ बात करके कह रहे विमुक्त संगा जो ऐसे खराब संग से मुक्त है। कोई भी व्यक्ति जन्म के साथ सिगरेट पीना जानता है, आप देखिए आज सब कोई बच्चा सिगरेट के साथ पैदा हुआ ऐसा जिसके एक सिगरेट लगी हुई हो, देखिए आप कोई कोई छोटा बच्चा देखे, कोई लड़का लड़की कोई भी वो पहले मैं माताओं को नहीं बोल रहा, अच्छा अगले दिन में वहां कुशेश्वर का दर्शन करके आना था कथा कहने के लिए, तो रास्ते में देखा 70-75 साल की बुढ़िया अपने दरवाजे में बैठ के सिगरेट फूंक रही थी, तो मेरे को करेक्शन करना पड़ा था। अब स्त्रिया में भूखनी अगर क्या बोलेंगे, आप चाहिए दिल्ली चाहिए बॉम्बे चाहिए, तो जवान जवान लड़कियां जो स्कूल कॉलेज में पढ़ती हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप नॉर्थ कैंपस के एरिया में घूमिए, तो लड़कियां सिगरेट सड़क पे सिगरेट फूकते हुए घूमती होती हैं, लड़के भी मुख फूक रहे हैं, और एक बात बताइए क्या ये लोग जन्म से सिगरेट पीते हुए पैदा हो जाते हैं, नहीं होते ना, तो अब कैसे सिगरेट की आदत पड़ गई है, फ्रेंडशिप किए, आप जो बनना चाहते हैं ऐसे व्यक्ति के साथ दोस्ती कर लीजिए, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं अच्छे इंजीनियर से दोस्ती कर लीजिए, डॉक्टर बनना चाहते हैं अच्छे डॉक्टर से दोस्ती कर लीजिए, भक्त बनना चाहते हैं तो भक्तों से मित्रता कर लीजिए, अच्छा सिगरेटबाज बनना चाहते हैं तो सिगरेट पीने वाले से दोस्ती कर लीजिए, एकदम बढ़िया सिगरेट पीने वाला आपको बना देगा, पहले दिन वो बोलेगा भाई तू भी एक, दूसरे दिन बोलेगा एक तो ट्राया है रहने देना, तीसरे दिन बोलेगा तेरे को पता है शाहरुख खान ऐसे ही बना, वो रोज 40 सिगरेट फूंकता है, तो इतना तो बताया कौन से तरफ जा रहा है वो तो नहीं बताया, इतना बताया उसको वो रोज 40 सिगरेट पीता है तब जाके हीरो बन रहे, तू सच बोल रहा है, अरे ट्राई तो कर, ऐसे ही हीरो बना जाता है, बस यार अच्छा नहीं लगा, अरे पहली पहली बार किसको अच्छा लगा,
अच्छा लगेगा। तो सिगरेट पीता है, शराब पीता है। आज हमको सूचना मिली इस गांव में जवान जवान लड़के लोग ड्रग्स पीने लगे हैं, शराब बंद कर दी है। शराब बंद नहीं है बिहार में, वो केवल सरकारी रूप से शराब बंद हुई है और डबल ट्रिपल पैसों पर बिक रही है। बल्कि कितनी स्त्रियाँ हम लोग आके सुनाती हैं, दुख अपना सुनाती हैं, हमारे पति हमारा सारा गहना बेच दिए शराब पीने के लिए, कर्जा हो गया है लाखों रुपए का, किसके लिए? शराब के लिए। और क्या वो शराब से संतुष्टि मिलती है? रात को नशा से बहुत डर जाता है, मगर ये आदत पड़ी कैसे? ये समझ से पड़ी। और यही अगर हरिनाम का नशा चढ़ जाए कभी उतरेगा ही नहीं। आज सोचिए, एक शराब का नशा, एक पान का नशा आपको 5 मिनट सुख देता है, फिर दूसरा पान चाहिए, फिर 10 मिनट सुख देगा, तीसरा पान चाहिए, फिर चौथा चाहिए, पांचवा चाहिए, छठा चाहिए, 40-40 पान लोग खाते हैं दिन में, सुख मिला नहीं मिला, 5 रुपये मुंह में सारा सुख खत्म हो गया। और अगर भगवान के नाम का पी ले, भगवान का नाम पी ले, ऐसा सुख है, ऐसा सुख है जो कभी खत्म नहीं होगा। तो कह रहे हैं कि खराब संगति से मुक्त होके व्यक्ति अगर भक्तों का संग करता है तब वो भगवान को समझ सकता है। तो हम जैसा बनना चाहते हैं वैसा समझे तो वैसे ही बन जाएंगे। तो आगे गजेंद्र जो स्तुति कर रहे हैं उसको कर सुनेंगे। हरे कृष्ण ग्रंथा श्रीमद् भागवतम की जय, गुरु श्री प्रभुपाद की जय। नजर लाएंगे कि भागवत की आरती होगी। हाँ हरे कृष्णा, सभी हरे कृष्णा।